वेलकम। बहुत ही मजेदार सी लीग हमारी चल पड़ी है। आज स्पेशल मैच है, आज सारे के सारे कप्तान एक साथ खेलेंगे, लेकिन देखना ये कि आज होने क्या जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन कुछ क्यों है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच आज का इस तरीके से होगा, क्योंकि आज का मैच अगर ये फैसला कर पाया कि टॉप टू टीम्स कौन सी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, और लोअर टू टीम्स कौन सी होंगी ये भी गलत नहीं होगा। टॉप टीम्स के बीच में मुकाबला होगा जो कि सीधी जाएंगी फाइनल के अंदर, और नीचे वाली टीम जो है वो आपस में लड़ रही है। अभी भी सिचुएशन कुछ पता नहीं चल पा रही है कि क्या होगा, तो हम एक एक करके सारे सारे कप्तानों को यहां पर बुला लेते हैं। सबसे पहले सबसे कमाल के हमारे जो कैप्टन है उनको बुलाने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम क्यू बाय कराची लाइंस के हुमायूं सईद। आई एम मिस्टर सईद, पाकिस्तान का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन क्यू भाई, और पाकिस्तान का नंबर वन सुपर स्टार द वन एंड ओनली मिस्टर हुमायूं सईद। क्या बात है, प्यारे लग रहे हैं आप, प्यारे लग रहे हैं आप। बस जीत जाए बाकी खैर है। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। शादी की सालगिरह के अगले दिन हसीन लग रहे हैं ये आदमी। कैसी गुजरी आपकी शादी की सालगिरह? अच्छी गुजरी आप? बहुत अच्छी, क्वारंटीन में। क्वारंटीन में अच्छी, यहाँ से सीधा घर। वाह क्या बात। अब देखते हैं आगे क्या करने जा रहे हैं। हम बुलाने जा रहे हैं पेशावर की कप्तान को, पॉमले पेशावर साइंस की कैप्टन। प्लीज वेलकम डॉक्टर शाइस्ता। पॉमले पेशावर साइंस, यू कैन फील इट पेशावर। पेशावर कैसी हैं शाइस्ता, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक, और मैं आज चार्ज होके आई हूँ, दो दिन रेस्ट करके। वेरी गुड। अब देखते हैं आप क्या करती है। दो दिन आपने घर पे बैठ के भी देखा है तो दिमाग आपका चल गया होगा कि क्या क्या होने जा रहा है और डील बॉक्स की क्या सिचुएशन चल रही है। काफी चेंजेस आ गई है, एज हुमायूं भाई ऑलवेज से कि नई खेप आ गई है, तो अब देखते हैं आज नई खेप चल पाती है या फिर नहीं चल पाती। अगले कप्तान को हम बुलाने जा रहे हैं, कश्मीर कुकिंग ऑयल के कप्तान। प्लीज वेलकम क्वेटा नाइट्स के सरफराज अहमद। हेलो सर भाई, खाना तो बहाना है, असल में तो सरफराज को बुलाना है। आइए सर, कहाँ है आप? बोरा बोरा बिल्कुल। और हम उस गुड़िया को बुलाने जा रहे हैं जो सारे पाकिस्तान में गुड़िया के नाम से जानी जा रही है। प्लीज वेलकम इस्लामाबाद ड्रैगन की कप्तान सनाती जावेद। लेवन में इस्लामाबाद ड्रैगन सना आपकी तरह काम नहीं करा। बोरा वो 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 वो। आइए आइए सना आइए। अब हम जिसको बुलाएंगे सब खड़े होके उनकी ताजीम में उनके लिए तालियां बजाएंगे उनके ऑनर में, क्योंकि इनका सिर्फ नाम ही ब्राइट है, बाकी कुछ ब्राइट ना हो पा रहा इनसे। सारे मिलके प्लीज वेलकम हमारे लाहौर के कप्तान अदनान सिद्दीकी। ब्राइट सब ब्राइट कर देगा, एक दिन हम भी देखेंगे ऐसा पाकिस्तान। ये नाचते हुए वापस, ये नाचते हुए अंदर आते हैं, होते हुए वापस आते हैं लेकिन हंसते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बहुत हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। ये बाल सही करो यहाँ से नहीं, सही कह रहा हूँ भाई। अच्छा बगैर प्रेशर के बहुत अच्छा खेलते हैं। सेटिंग हुई भी नाई ने बोला बिल्कुल ऐसे बनाना है। अच्छा अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। आज अदनान भाई ने इंकशाफ किया है कि वो बाल भी काट लेते हैं, तो अगर यहाँ से जीत नहीं पाए तो ये काम तो चल ही रहा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। अदनान भाई आज आपका जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी माफ करें, आज भी मैं इसका रीजन बताता हूँ, तो आज भी दुआएं करें। मैं उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि अगर आज ये जीत गए तो बाकी टीम्स की पोजीशनिंग में फर्क आ जाएगा। नहीं कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब कि ये आदमी जीत के आज आप सबकी पोजीशंस को हिला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। नहीं अगर ये जीता तो कोई फर्क नहीं होगा भाई। ऐसे 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 मेरे जहन लड़ा के ऐसे आप लोगों को दाना फेंका है, लेकिन अदनान भाई अगर आज आप जीत जाते हैं तो सारा लाहौर सड़कों पर खड़े होके एक बार भंगड़ा करेगा, और एक बार जीतने की खुशी में मिठाइयां बांटी जाएगी। तो प्लीज आज आप ऐसे, उमर खान का फिर आ गया मैसेज आपको, आप कॉल आ गई। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। पहला जो गेम हम खेलने जा रहे हैं बाबूजी धीरे चलना, जो कि कैप्टन ही आज आपस में खेलेंगे। हम बुलाने जा रहे हैं लेमन मैक्स सांबा ड्रैगन की और क्यों बाय कराची की, जो कि एक तरफ है और दूसरी टीम है जनाब पामले पेशावर स्टैलियन और लाहौर फैल्कन। आइए आप दोनों एक तरफ, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा, पट्टी बनेगी अदरान सिद्दीकी आपकी आंखों में बनेगी पट्टी। शाइस्ता आप इधर आ जाए, शाइस्ता आप इधर आ जाए। माइक कहाँ है शाइस्ता, ऐसे ही टहल रही है आप, माइक कहाँ है आपका?
आपका माइक कहाँ है? हद हो गई, मैं आज चार्ज होके आई हूँ। ये भी देखो, ये भी ऐसे टहल रहे बगैर माइक के, घर में फिर रहे हैं आप लोग अपने, हैं? हम रिलैक्स हो गए ना। शाइस्ता, आज देखते हैं कि आज आप अदनान भाई को कैसे समझा पाती हैं, क्योंकि आज आप दोनों एक टीम है। अगर आप यहाँ से जीतते हैं आज, तो आप दोनों टीम्स को 10-10 नंबर मिलेंगे। अब देखते हैं क्या होने जा रहे हैं। शाइस्ता दूर रहेंगी, आप यहाँ पर आएंगी। अदनान भाई चीटिंग नहीं करनी है आपने, जो कोई और बोला आप देख, कोई और नहीं बोलेगा, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, याद रहे बस सही बात तो बता सकते हैं ना उसको। सिर्फ और सिर्फ लाल बॉले पिक करनी है। ओके, वक्त आपके पास एक मिनट का, शाइस्ता यू टाइम स्टार्ट नाउ। चले जल्दी से बैठ जाए सही जा रहा है, यही रही, यही रही, यही रही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त, आगे आइए। एक स्टेप, हाँ, एक एक स्टेप ऑन, अब बैठ जाएं, बैठ जाएं। तीसरी बॉल में यार क्या कर रही है यार, ना करें ना, अरे क्या कर रहे हैं। अच्छा यहाँ आए, चले सीधे हाथ पे आए, सीधे हाथ पे आए, सीधे बैठ जाइए, बैठ जाइए, उठाइए उठाइए बॉल, उठाइए, ना करें ना यार, क्या करें। उनको नजर आ रहा है, एक्टिंग कर रहे हैं वो, नहीं कर रहे। आप कह रही है लेफ्ट जाओ, वो राइट पे जाके खुद ही बैठ जाते बॉल उठाने के लिए। तो मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा था आपको, नहीं नजर आ रहा था, तो दो लगा दो, वापस खेल लो। हैं? नहीं नजर आ रहा था कि नहीं, नहीं, नहीं। कैमरा मैन नहीं नजर आ रहा, क्या इनको नजर आ रहा था? नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा। चार बॉले जमा किए आपने अदनान सिद्दीकी, चार बॉले, ये ले, ये घबराए नहीं, रोने की जरूरत नहीं। अदनान सिद्दीकी आज इतने हारे, हाँ, मतलब आप दोनों ने मिलके चार बॉले जमा कर लिए। अब देखते हैं गुड़िया और गुड्डा क्या करते हैं। गुड़िया और गुड्डा, चार बॉलों का रिकॉर्ड है, मतलब आप लोगों ने कम से कम पांच बॉले जमा करनी होंगी। भाई हुमायूं भाई की आंखों में पट्टी कौन बांधेगा, जल्दी बांधो, फटाफट से बांधो। हुमायूं भाई आपकी आंखों पर बन जाएगी पट्टी, सना आप रहेंगी दूर, इनसे करीब करीब नहीं रहेंगी, और हम बताएंगे आपको हुमायूं भाई कि कब आपको चलना है। बांधो इनकी आंखों में पट्टी, फटाफट से बांध दो, जल्दी बांधो, देखना नहीं चाहिए इस आदमी को, कुछ देखना नहीं चाहिए। और फिर देखते हैं, एक हट जा, एक दो तीन और स्टार्ट। सीधे हैं, सीधे हैं, सीधे 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 सीधे, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे सीधे हाथ पे होते हुए आगे बढ़े, हाँ हाँ, और आगे और आगे और आगे, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठे आपके सीधे हाथ पे बोले, हल्का सा, हल्का सा, वेरी गुड, वेरी गुड, पहुंचे पहुंचे, आगे फोन रखे आगे, हाँ इसी तरह आगे बैठे, नीचे बैठे, भाई फोन उठाता जा रहा है। पांच बॉले जमा कर दिए इन लोगों ने, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, बहुत आए 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 आए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाए, खड़े, और लगता है गड़बड़ हो गई है, लगता है गड़बड़ हो गई है, सीधा और सीधा और सीधा, गड़बड़ कर दी है, बैठे बैठे बैठे, गड़बड़ घोटाला, वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, पीछे पीछे पीछे, आखिरी 14 सेकंड रह गए हैं, आगे आगे आगे, सीधा आगे आगे, सीधा आगे, 30 30 30 आगे आगे, हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाओ, सला हाथ नहीं लगाओ, हाथ लगा लिया उसने, हाथ लगा लिया, बोल रहे थे तुमने, बोला आवाज, मैं सबके नंबर काट दूंगा, बहुत सख्त हो तुम, अच्छा उठी, भाई इसका मतलब है ये नहीं हो सकता, इसका मतलब है ओ भाई ये नहीं है आज नहीं, हम अदनान की साइड आज नहीं लूंगा, थर्ड अंपायर, थर्ड अंपायर, आज नहीं लूंगा, कराची कराची कराची, ओके भाई, एक तो उसको नजर आ रहा था, एक मिनट इस वाले गेम का नतीजा मुझे नजर नहीं आ यार, मेरी कोई सुनो यार, अल्लाह की कसम, चौथी बॉल उसने उठाई है, तुमने टाइम लगता है, 10 सेकंड बचे हैं, इस गेम का नतीजा बिल्कुल ही खत्म हो गया है, ये गेम फारिग, हमने बिल्कुल डेड बॉल करार दे दिए, सारे वोट रद्द कर दिए, आधे आधे पॉइंट दो ना, किसी को पॉइंट नहीं, किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा, किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा, खुश हो गए, खड़े हो गए सामने आप,
इसीलिए हमने लोग बुलाए हुए खेलने के लिए ताकि तमीज से गेम होता रहे। पूरे शो में गला नहीं बैठता, पहले फिर आप आ गया यार, हद हो गई यार। शाइस्ता ज्यादा चलाकियां नहीं चाहिए, बैठ जाए। गलत बात है, ये पप्पो सबसे ज्यादा खुश है। आप घर पे बैठ के खेल रहे हो, आप लोग डाउनलोड करें गोल लूटलो की ऐप, आप देखते हैं स्कैन करना है आपको QR कोड और घर बैठे आप 1,00,000 रुपए जीत सकते हैं। अगला मैच जो हम खेलने जा रहे हैं वो है कराची, क्वेटा और लाहौर के बीच में। हम बुलाने जा रहे हैं बिलाल, अशफाक और नईम साहब को। आइए बड़ा बच्चा, आइए चल जाइए। ये शाइस्ता और अदनान और आज तो वो भी पता नहीं क्या। कश्मीर 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 भाई बहुत गुजरता जा रहा है। अच्छा हम तो नहीं मिल रहे। ओके 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 भाई, क्यों केयर की मोड़ बाइक है सईद साहब। करना यह है कि ऊपर वाला क्वेश्चन एंड तक रहना चाहिए, ऊपर तक मतलब कि एंड तक नहीं गिरेगा। ओके सबसे पहले ये लाहौर के साथ है। हाँ ये लाहौर इसकी आप देखते हैं क्या होने भाई। लाहौर के साथ भी है और क्वेटा के साथ भी है। खुद खेल सकते हैं? नो नो नो, जो जीतेगा वो यहाँ से ले जाएगा क्यू केयर की मोटरबाइक और आपकी टीम को मिलेंगे 10 नंबर। तो पहले कौन आएगा अदनान भाई, कौन आना चाहेगा पहले? लाहौर ही आ जाए। आओ भाई लाहौर आओ, आओ फटाफट से आइए, आइए फटाफट से आ जाइए। आपको हमारा लड़का करके दिखाएगा। आसिफ आसिफ करके दिखाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आसिफ भाई, बहुत प्रेशर है आपके ऊपर। ये देखिए आसिफ ने पहले शो से अभी तक कुछ नहीं किया, अब देखते हैं क्या करता है ये लड़का। और वेरी गुड, तुम सिर्फ घर पे बैठ के मंदियां बनवाओ हैं, ये काम है तुम्हारा। अब देखते हैं क्या होने जा रहे जनाब। वक्त है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का। लाहौरियों 10 नंबर का सवाल है और मोटरबाइक का सवाल है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, चले जल्दी से। सैनिटाइजर से हाथ अगर सैनिटाइज नहीं किए तो ऐसी ही परफॉर्मेंस रहेगी आप लोगों की जैसी कि उनकी रही। हाँ भाई, अगला कौन आएगा, कश्मीर क्वेटा नाइट से बुलाएं या कराची से बुलाएं? हुमायूं भाई आप आना चाहेंगे? आइए आओ कराची वालों, आ जाओ कराची वालों। वो खेलेगा ना आप तो यार, अजीब ही मूड में चल रहे हैं आप तो। अब देखते क्या होने जा रहा है। एक दो तीन और गो, स्टार्ट स्टार्ट, अरे स्टार्ट। सिर्फ चीखने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेटेजी भी कोई चीज होती है। अब आपको बताएगा कप्तान। तो फिर एक दो तीन, एक मिनट, कप्तान नहीं, सरफराज फुप्पो। एक दो तीन स्टार्ट, चलो भाई। गुड गुड, क्या बात है भाई। देखो, ये हुई ना बात। और आइए मोटर बाइक आपके, आइए 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 आइए, ये हुई बात, क्योंकि सबके लिए बैठिए, चलो भाई लगाओ धक्का। ये हुई ना बात, खाता खुल गया है कोई टका। शाइस्ता क्या? कौन है पप्पो अब? सरफराज पप्पो। सरफराज देखो तुम ऐसे ही हो, हार पे हमारा गेम कैंसिल हुआ, बड़ा खुश रहे तालियां बजा रहे। मैं तो खुश हुआ ना, अच्छा हुआ किसी को पॉइंट नहीं मिले। अच्छा, भाई ये लोग कुछ कहते रहे, अगर आपको घर बैठे तो अच्छा खेला था यार, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि WHO के मुताबिक अगर आप बार बार 20 सेकंड के लिए हाथ धोएंगे तो आप इस वबा से बच सकते हैं। और एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मिलके लगाएंगे जान तो ही होगा साफ पाकिस्तान। तो हमने शुरुआत कर दी है। पहली बार अभी जो हुआ वो ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्वेटा के पास इन सारी टीम्स के अंदर से 10 पॉइंट्स है, बाकी किसी के पास कोई पॉइंट नहीं है। अगला मैच है पिशावर और क्वेटा का, आइए देखते हैं रिवायती हरीफ। आइए दोनों आ जाइए, फटाफट जा रही है। हम इनकी टीम से बुलाने जा रहे हैं पिशावर से खिजर और आयशा को और क्वेटा से आमिना और अली को। आइए फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी। अब देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। भाई पहले कौन दलेर खेलना चाहेगा? पप्पो पप्पो
पप्पू आप खेलेंगे भाई, भाई वो कह रहे हैं आप खेलेंगे, आप खुद खेलेंगे तो फिर पुगम की पुगाई करेंगे, जज्बाती नहीं होना, आप पुगम करेंगे दूर दूर से। आज बहुत इंटेंसिव मैच हो रहा है, आओ आओ बेटा चेक करते। और ये देखो आप खेलेंगे, आप खेलेंगे, आप देखते हैं क्या होने जा रहा है। सरफराज के बाद 10 रन ऑलरेडी है, पिशावर और क्वेटा का मैच है, याद रहे यहाँ पर आप खड़े होंगे। दोनों की टीम के साथ हूँ ना, आप किसी के साथ नहीं है भाई, यहाँ पर खड़े होंगे आप, यहाँ से आगे नहीं आएंगे। ओके, आप रिंग फेंकेंगी, ये अपनी बॉडी पर कैच करेंगे, जितनी ज्यादा इन्होंने रिंग कैच की उतना ज्यादा मौका मिलेगा इम्तियाज सुपरस्टोन की मोटरबाइक जीतने का। वक्त आपके पास है एक मिनट का, और आपका एक मिनट का वक्त होता है अभी, चले जल्दी से। वाह वाह, वेरी गुड, अल्टीमेट शॉपिंग एक्सपीरियंस, इम्तियाज सुपरस्टोन बहुत दूर तक जा रहा है, वो बर्बाद करेगी ये बहन मेरी, कैच तो मेरा जाने मान, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, तरसा तरसा के रिंग्स लेके जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है अभी तक, देखते हैं क्या कर पाता है कोटा, देखते हैं क्या कर पाता है पिशावर, ये वक्त गुजरता जा रहा है, ये इम्तियाज सुपरस्टोन द अल्टीमेट शॉपिंग एक्सपीरियंस, कम ऑन कर सकते हैं आप, कैमरामैन सारे मिलके एक बार निकाल के खुद ही बाहर चले गए। 31 आप देखते हैं हाईएस्ट कितने हुमायूं भाई, 31 है। आओ हुमायूं भाई गिन रहे हैं, आज शदीद कंपेटिटिव मूड में चल रहे हैं हुमायूं भाई, आज मैं जीतने के लिए आया हूं, शादी की सालगिरह के बाद चीजें गिन रहे हैं, आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। कैमरामैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 वेरी वेल डन, 30 रिंग जमा कर लिए हैं इन नौजवान लोगों ने, अब देखते हैं तुम तो खुद ही जमा हुए में लग रहे हो मुझे भाई, आ जाओ आओ यहाँ आ जाओ फटाफट, भाई तुम एक्टिव हो जाओ, रोजा खुले बहुत टाइम हो गया, बीमारी नहीं होनी चाहिए, नहीं फुटबॉल आप सामने से हट जाए, ये देखो मैं बीच में नहीं आई, आप भी नहीं आए, 3 मिनट 13 में 20 में खड़े होके लगे हुए दोनों फुटबॉल कंट्रोल करे। ओके आपके पास एक मिनट का, पीछे यहाँ पे, हाँ ओके वक्त आपके पास, नो बॉल नो बॉल, थोड़ा पीछे चलिए मेरी बहन, खुदा का वास्ता थोड़ा पीछे, बहुत अच्छा हो रहा है, हम देखते हैं कर क्या रहे, वो मेरी बहन परेशान हुई है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, वोट भाई गेम जांच को बच्चों की देखते हैं क्या कर पाते हैं आप, मिलकर काम करो, बहुत अच्छा जा रहा है, लगता है कॉमन पिशावर ये टास्क पूरा कर पाएगा, और नौजवान आगे मत आओ, लड़की देख रही है, नो बॉल भाई, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, पीछे नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, पीछे पीछे, नो बॉल हो गई, नो बॉल हो गई, अरे चुप, नो बॉल भाई, ओके ओके, घबराना नहीं, मैं हूँ, टेंशन नहीं लेना, तुम इनके प्रेशर में मत आना, हट जाओ जीते, हट जाओ हट जाओ, आइए देखते हैं क्या लगता है भाई, क्या हुआ, क्लोज है बहुत, क्लोज है मेरे ख्याल से 29 कोई टाइम जज्बाती ना हो, 3 तो 9 बॉले थी, नहीं नहीं नहीं, नो बॉले थी, आपका भी ना 3-4, आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 एक रिंग से जीत गया कोटा, आइए 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 बैठिए, अरे पप्पू भाई कोटा तो लीड कर रहा है, आते के साथ ही दाल जमा दी है, और यहां मैं जम गया हूं, ओ मेरे बहन भाई कुछ कम खाओ, मतलब थोड़ा तो रहम करो,
हालात हमारे बहुत टाइट चल रहे हैं आजकल। ओके जनाब, अगली मोटरबाइक हमारे पास है हबीब ऑयल मिल्स की, क्योंकि ये दिल का मामला है और ये गेम हम खोलने जा रहे हैं पिशावर इस्लामाबाद और क्वेटा के दरमियान। तो आइए पिशावर इस्लामाबाद और क्वेटा हम बुलाने जा रहे हैं गनिया, शर्मीन और सुम्बुल को। आइए फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी, क्योंकि दिल का मामला है हबीब ऑयल मिल्स। लड़कियों अपने अपने कप्तान के पास चलते हैं, अपने अपने कप्तान के पास। अदनान भाई आप 3 मिनट 13 में बीच में आप खड़े हो जाते हैं, आप अपनी जगह पे बैठ क्यों नहीं रहे? हम बीच की बिल्ली तो आप मेरे साथ खड़े हो, आए बीच की बिल्ली। अच्छा भाई आप अदनान भाई फैसला करेंगे कि आज सबसे पहले आप में से कौन खेलेगा। अदनान भाई कौन खेलेगा? आंख बंद करके कैसे बताएंगे आप? माइक पे बोल, माइक पे। ओके, इसका मतलब है क्वेटा सबसे पहले खेलेगा। ये शरारती बिल्ली है, अब देखते हैं। एग्जैक्टली, अब देखो फिर दोबारा कर लेते हैं। आ जाएंगे आप लोग, घूम जाए, सारे घूम जाए, आप लोग सारे तितर बितर हो जाए आप लोग। तो आप तो उधर देखे। हाँ भाई, अब जिस तरफ इशारा जाएगा उस तरफ ही वो वाली टीम खेलेगी। हाँ भाई सारे चुप रहे। हाँ चुपन चुपाई शुरू हो गई। जी अदनान भाई, अदनान शो खत्म हो जाएगा खुदा का वास्ते। गुड़िया सबसे पहले तुम खेलोगी, आओ फटाफट से, और तुम्हारे बाद तुम फैसला करोगी कि कौन आएगा। इनको कोई नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आए ना क्या फर्क पड़ता है। गुड़िया अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी जो टीम करके भी खूबसूरती नजर आती है। अरे यार घर भी जाना है आपने, चले अब देखते क्या होने जा रहा है। मेरी प्यारी बहन आपके सामने 5 डब्बे पड़े हुए हैं, आपने एक एक करके इनको एक ऑर्डर में प्लेस करना है। कैसे? सबसे पहले हम रखेंगे सबसे भारी वाला डब्बा यहाँ पर, उसके बाद उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, और एंड में सबसे हल्का। कम से कम टाइम में करेंगे, वो रिकॉर्ड बनेगा, अगले को तोड़ना होगा। मैक्सिमम टाइम 1 मिनट का आपके पास है। ओके ठीक है, घर से लड़कियां आई हैं, मजा आ रहा है। 1 2 3 स्टार्ट, चलो जल्दी से, जल्दी जल्दी यार, ये चाय गर्म करवा दो यार। अदनान भाई से नारा आ जाता, और भी लाओ बिस्कुट, बिस्कुट जल्दी करो बेटा जल्दी। फोन क्यों चलता जा रहा है? आखिरी 30 सेकंड रह गए हैं। सही है अदनान भाई, साथ नहीं है बाकी सबके साथ है। अपनी टीम के अलावा हर किसी को जितवाने में हो गया। 43 सेकंड्स में इन्होंने ये टास्क पूरा किया है। अदनान भाई क्या लगता है सही किया होगा इन्होंने? अदनान भाई माइक पे बताए क्या लगता है सही किया होगा इन्होंने? मुझे तो सही लग रहा है। सना क्या लगता है सही किया इन्होंने? सही किया, मेरी बहन सही किया आपने, पक्की बात है। आइए देखते हैं, तो फिर एक सबसे हल्का होना चाहिए ये डब्बा, तो फिर दो और 43 सेकंड में ये टास्क इन्होंने पूरा किया है। अगर सही किया है तो आइए देखते हैं, अब इसको 3.5 से ज्यादा होना चाहिए, तो फिर 1 2 और गड़बड़ 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 गड़बड़। अब देखते हैं, कोई बात नहीं, वैसे भी सबसे भारी डब्बा होना चाहिए ये, लेट्स सी ऐसा है कि नहीं। तो फिर अबे अरे तो सही है ना यार, यू नेवर नो, नहीं नहीं यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। 4.5 इन्होंने मिस किया। मुश्किल काम है, तो फिर 6 से कम होना चाहिए इसको, तो फिर दो तो फिर 5.5 किलो होना चाहिए, या फिर 5.5 होना चाहिए। आइए देखते हैं, तो फिर 1.5 किलो भी हो सकता है। तो मसला खराब हो गया। अब तुम बताओ कि सना जावेद के कौन खेलेगा, पिशावर या क्वेटा?
क्वेटा क्वेटा से मसले चल रहे हैं सरफराज से औरतों को मसले चल रहे हैं घबराना नहीं सरफराज टेंशन नहीं लेना सुलन तो पुगन पुगाई होनी चाहिए किस बात की बात बात में पुगन पुगाई होनी चाहिए बीच की बिल्ली ये दोनों तो आप बताएं कौन खेले दोनों में से आजे आओ भाई पुगन पुगाई कराओ आओ भाई ये देखो और यही खेलेगा देखो लड़की गुड़िया फैसला अच्छा करती है अब देखते हैं भाई वक्त आपके पास एक मिनट का मेरी बहन आपका एक मिनट का वक्त शुरू होता है अभी चलिए जल्दी से जल्दी 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 वक्त गुजरता जा रहा है अभी बोल मेल की मोड़ भाई अब देखना ये है क्या कर पाती है कमाल हो रहा है जब बॉलर सरफराज की सुन नहीं रहा हो और एक ही ओवर में चार चार चौके खा रहा हो और सरफराज पलट के पीछे जा रहा हो अब देखते हैं कि क्या हुआ सरफराज सही हुआ कि नहीं हुआ सही हो गया ना अदनान भाई सही हुआ कि नहीं हुआ थोड़ा उन्होंने बड़ा कॉन्सेंट्रेट किया था ऐसे तो मैंने उनके लिए भी यही कहा था लेकिन पता आपको भी नहीं है तो गया था ओके शाइस्ता मुझे लगता है सेकंड बॉक्स में कुछ गबल्ला आइए फिर देख सेकंड कौन सा इस वाले में गबल्ला इस वाले में ये सेकंड है ये सेकंड है ना आइए फिर सेकंड वाले से शुरू करते हैं तो फिर एक दो और भाई अल्लाह यार क्या डॉक्टर क्या मर्ज की पहचान है आपको डब्बा देख के मर्ज बता देती है ये तो भाई भारी वाले यहाँ है पगली आइए देखते हैं क्या किया तो फिर एक दो सही किया अगर सही है तो सही है भारी यहाँ है क्या हल्का है भारी से हल्का गई है ना वो ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करना है ना उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया आइए देखते हैं तो फिर छह से कम होना चाहिए ये डब्बा और गुड 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 अचानक से रिवर्स स्विंग फेंकी हमारे बॉलर ने और सरफराज पीछे खड़े होके कह रहे हैं वेरी गुड आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है एक और दो और वेरी वेल डन अब आखिरी साढ़े तीन क्या ये साढ़े तीन होगा क्या लग रहा है सना क्या ये साढ़े तीन होगा होना तो चाहिए शाइस्ता क्या ये होगा हाँ होगा तो फिर एक दो तो फिर दो और ये क्या बात है वेरी वेल डन माई शाइस्ता 52 सेकंड में ये टास्क इन्होंने पूरा किया है इसका मतलब है आपको करना पड़ेगा 51 सेकंड्स के अंदर 51 सेकंड्स का टाइम आपके पास है आ जाओ मेरे बच्चे फटाफट से और आपका 51 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है एच ओ एम की मोटरबाइक के लिए बच्चे सबसे हल्का यहाँ ठीक है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ अभी बॉय मिस क्यों कहिए तेल का मामला और चाय का है गुजरता जा रहा है आखिरी 36 सेकंड रह गए हैं गुड़िया डरना नहीं है गुड़िया चल दे आखिरी 20 सेकंड कर लिया डन डन हो गया कर लिया और टाइम लेना है और टाइम लेना ठीक है डन है डन कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कैप्टन ने बोला कर लिया
आपने बोला कर लिया पप्पो, आप तो चुप रहे। पप्पो क्या बोले, आपने बोला कर लिया भाई। यार कैसे कैप्टन है यार, ये किस तरह का कैप्टन है, कैसे कैप्टन है यार, टीम मेरी है कि इनकी। आप बोलो, आप बोलो। वो तो पप्पो लग रहे हैं, आप खालू लग रहे हैं इस वक्त, सीधे सीधे कमाल चल रही है, आप बताइए। अच्छा एक बात बताएं, हेलो बेटा, हेलो बेटा, हेलो कप्तान की सुन। अच्छा अभी हमारे पास कितने टाइम, आपके पास अभी पूरे 16 सेकंड बाकी है। 16 सेकंड है, आप श्योर हैं या आप एक दफा चेक करना चाहते हैं? एक दफा चेक कर लेते हैं 6 सेकंड। तो फिर 1 2 3 स्टार्ट। ओके, वो कॉन्फिडेंट है यार, वो कॉन्फिडेंट है लड़की, मड़की माई, मड़की नहीं लड़की, कैप्टन नहीं है ना, लड़की माई उड़ाओ, इधर आओ, यहाँ पर आओ। क्या लगता है लड़की, सही किया तुमने, सही किया है, बाल बाद में बनाना, माइक में बस, सही किया है। आओ देखते हैं तो फिर क्या होने जा रहा है, सबसे भारी डब्बा होना चाहिए ये। तो फिर 1 2 और जैसा अचानक से मुस्कुराती हुई, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है, 7 से कम होना चाहिए ये डब्बा। हमारे फोन छोड़े तो फिर ये देखे, ये देखे, और अगला डब्बा होना चाहिए 6 से कम। तो फिर सना होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो फिर ओ, तो 3.5 और 4 हो सकता है, एक ही किता 3.5 या 4 होगा, हो भी सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 3.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, होगा ना, कुछ भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई शाइस्ता, घबरा क्यों गई हो शाइस्ता? अच्छा बताओ ये खोलूं या फिर ये खोलूं, कौन सा डब्बा खोलने? अब तो जो होना है। तो फिर 1 2 और कोयटा जीत गया ये वाली बॉर्ड भाई भी, आजा सरप्राइज, आजा आजा आजा, कोयटा को कोई पीट ही नहीं कर पा रहा है, आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, कैप्टन कैप्टन है कोयटा, ले गया भाई, कैप्टन कैप्टन है, कैप्टन कैप्टन है भाई, यार ये तो कमाल जा रहा है। सरफराज, सरफराज, सरफराज गुड़िया कुछ कह रही है आपसे, क्रेडिट मुझे जाता है, मैंने आपको बारी दी थी, वो जीतने वाली। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, तालियां और जय सरफराज के लिए। शाइस्ता, शाइस्ता घबराओ नहीं, शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता, शाइस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। अब मैं स्कोर दिखाना चाहता हूँ आप सबको, ताकि आप लोग देखें और इबरत हासिल करें इससे। ये देखिए भाई, 30 रन है कोयटा नाइट्स के, और इनकी कोई और शाख नहीं है सरफराज की, नकली और असली की पहचान करें। और देखिए माशाल्लाह पेशावर स्टैलियन सबसे ज्यादा उछलती हैं, और ये अंडा अंडा उनका स्कोर है, और उसके बाद स्लाप और ड्रैगन ड्रैगन की तरह मशवरे दे रही हैं, लेकिन 0 उनका भी स्कोर है। और हुमायूं भाई चेक करें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार, ये देखें ये सुपरस्टार, और अंडा देखें, अंडा चारों टीम्स में यकजहती देखें, वाह क्या बात, सारे अंडे, वाह क्या बात, यही पप्पो अलग निकल, और आपसे मैं क्या कहूं, नहीं है ये कोई, आई जस्ट वांट टू से दैट आई थैंक यू अल्लाह मियां, एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू थैंक माय फैमिली। उसके बाद आप सब दोस्तों की दुआएं थी जो इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा भाई अगला गेम, जो भी आपकी टीम में से खेलेगा वो यहाँ पर खेलेगा, तो उसे 20 रन जीतने होंगे, बाकी सबको मिलके उसे हराना होगा। लेकिन अगर JPL लीग का प्लेयर आ जाता है तो आप सबने मिलके उसे हराना होगा, ऐसा हो सकता है। सो आज देखते हैं कि किसकी बैटिंग आती है, हम JPL लीग के मेंबर के साथ साथ इनके 5 कंटेस्टेंट को भी बुला लेते हैं। प्लीज आइए सारे के सारे, आ जाइए जल्दी जल्दी फटाफट से, और अगर आप बनना चाहते हैं मैच गेमर ऑफ पाकिस्तान तो आपने घर बैठे करना है, ये सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करवाना है, और घर बैठे मिलियन तक के प्राइस से आप जीत सकते हैं। तो देखना है कि कौन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा पबजी गेमर, माउंटेन टू पार बनती है, डरिए आगे जीत है। ओके जनाब, 6 के 6 लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और एक बार फिर खवातीन आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि कौन होगा जो कि अगले चंद दमों में हमारे साथ यहाँ पर खेलेगा। ये एक वायद है जो आप सबकी दुश्मन है, और बाकी सारे तो दुश्मन है ही। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है, लेट्स सी, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले गुड़िया, मैं चाहूंगा कि आप आ जाएं, और सिर्फ एक पर्ची हम निकालेंगे जो कि हमारे साथ खेलेगी। तो ये वो पर्ची है जो
जो हमारे साथ खेलने जा रही है। एक मिनट ऊपर देखो चिड़िया, ऊपर, अरे ऊपर है चिड़िया, ऊपर देखो चिड़िया, आप निकालो पर्ची, उठा लो जल्दी से। आप इधर क्यों देख रही हो, देखो थोड़ा सा नजर आ जाए ना। नहीं चलो, गुड़िया की चला किया नया ड्रामा सीरियल, वेरी गुड। और एक पर्ची गुड़िया ने निकाल दी है, ये वो पर्ची है जो आज हमारे साथ खेलेगी। ये क्वेटा नाइट भी हो सकता है, ये पेशावर सैन भी हो सकता है, ये ब्राइट लाहौर फैल्कन भी हो सकता है, कराची लायंस भी हो सकता है, और इस्लामाबाद ड्रैगन भी हो सकता है, और जेपीएल लीग का भी कोई मेंबर हो सकता है। तो लेट्स सी क्या होने जा रहा है। ये है वो पर्ची, पढ़ाइयाँ तेज हो गई है लड़की की। पढ़ बेटा पढ़, पढ़ भूख, पढ़ो पढ़ो सारे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आइए देखते हैं। तो फिर एक दो, नंबर दो पे कश्मीर क्वेटा खेले। आज भाई हम घर जा रहे हैं। आइए बहन, आइए बहन, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज जो सरफराज की जो लत जा रही है ना, आज 7 लाख का सोना जीतना है ना। किस्मत कनेक्शन है भाई, क्वेटा की कामयाबी का राज गुड़िया का साथ। असल में ये गुड़िया बाजी। आइए अब देखते हैं कि क्या करते हैं भाई। सरफराज के लिए कैमरामैन, कैमरे छोड़ के तालियां बजाना शुरू करो। चलो सारे के सारे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सबको ईदी जो है सरफराज देगा, सबको ईदी। वो तो मैं दूंगा, बिल्कुल देगा। आप देखिए वो 100 रुपए दे, ईद की अलग, वो 100 रुपए दे या 50 रुपए दे, वो हमारा काम है। ईदी सबको मिलेगी। सरफराज के साथ हूँ, घबराना नहीं, घबरा। ये देखो ये आ गए बीच में, बीच के। अब देखते हैं क्या होने जा रहे हैं। मेरी प्यारी बहन माइक उठाइएगा, क्या नाम है आपका? इशरत जी। इशरत, इशरत बाजी आप हैं। इशरत बाजी किसके साथ आई हैं आप? हस्बैंड के साथ। हस्बैंड का क्या नाम है? सैयद माजिद अली। सैयद माजिद साहब, भाई सैयद माजिद साहब को हाजिर किया जाए, फटाफट से बुलाइए। ये देखिए, अरे तो शरीफ सा आदमी बेचारा, प्यारा सा, मासूम सा, कहाँ मिल गया आपको, ये अच्छे आदमी लग रहे हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से आप, ठीक ठाक? जो भी कहेंगे माइक पे कहेंगे, माइक के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आज भाभी इशरत को और आपको मौका मिला है यहाँ से 10 तोला सोना जीत कर जाने का। ये आपके कप्तान, इनका नाम है सरफराज अहमद, पाकिस्तान की शान। अब देखते हैं कि आप लोग मिलके आज क्या कमाल करते हैं। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जा रही है, तो इनकी किस्मत तो अच्छी चल रही है। अब देखते हैं आज आप किस्मत कैसी लेकर आई है। इशरत फोन से दूर रहोगी, दिमाग चलाओगी तो कुछ अच्छा लेकर जाओगी। ओके सर, माजिद साहब रेडी हैं आप? सबसे पहला सब, कहाँ जा रहे हैं आप यार? बेटा शायस्ता की चेयर वहां से उठा के दो इनको। सारे ही कप्तान एक ही तरफ आके बैठ गए हैं। अब सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि ये सब मिलके आज क्वेटा को हराने की कोशिश करेंगे। नहीं हरा सकते। ये सब गलत गलत मशवरे देंगे, इनके भोले मासूम चेहरों पर मत जाना। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं, आप अगर चाहें तो इनमें से किसी एक को अपना चूज कर सकती है ताकि वो आपको जिताने की कोशिश करे। कोई ऐसा लगता है आपको जो आपको जिताना चाहता होगा इनमें से? इनमें से मुझे ऐसा लगता है कोई हराना नहीं चाहेगा। अरे वाह, क्या बात है, एक्चुअली एक्चुअली जबरदस्त बात है। मतलब ये कौन कहता है कंटेंट सिर्फ अली इमरान के पास है, आम औरतों के पास भी है कंटेंट। देखो देखो अली इमरान, एक मिनट, वेरी गुड। इशरत भाजी, ये अपने हम पांचों के लिए कहा है ना? चारों के लिए, पांच कौन है? नहीं, मैंने सबके लिए कहा है भाई, पुप्पो के लिए, मतलब उधर भी ना। हाँ, नाम आपका क्या है? माजिद, माजिद। उनको भी अपना नहीं समझ रही है। घबराना नहीं, ये लोग परेशान करने के लिए आए, टेंशन नहीं लेना। माजिद भाई जितना तैयार होके आए ना आज, मुझे लगता है जीतेंगे। आइए देखिए, आज सैलून गए थे ये। आइए माजिद भाई, शुरुआत करते हैं। अदनान सैलून आपके, आपको देंगे पासेस उसके, उसके लिए जाना। अब करना क्या है, फैसला कर लेते हैं। आपके सामने 5 डब्बे पड़े हुए हैं, आपने एक एक करके डब्बे खुलवाने हैं। वो डब्बे खुलवाने हैं जिनके अंदर कम सोना है, जैसे कि 1 ग्राम, 1 तोला, 3 तोला, 5 तोला, ताकि आखिर में हमारे पास क्या बचे, 7 तोला और 10 तोला। किसी पॉइंट में आप डब्बा तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको लगता है 10 तोला आपके पास नहीं है और सामने कहीं है तो तब्दील कर लें। अगर आपको लगता है नहीं है ऐसा तो ना करें। ये रखा हुआ डील बॉक्स आपको शुरू में मिलेगा जब आप यहाँ से कम 7 तोला लेकर जाएंगे। ओके, समझ आ गई इशरत? शुरू करें। पहला सवाल इशरत, क्या है तुम्हारे डब्बे के अंदर?
सात तोला, दस तोला, पांच तोला, तीन तोला, एक तोला, एक ग्राम। क्या है इशरत? मुझे तो अभी घबराहट हो रही है। घबराहट? घबराहट नहीं करनी, आराम से खेलो, परेशान मत हो, अच्छा होगा। क्या है आपके डब्बे में इशरत? क्या लगता है? मुझे कम लगता है। जैसे कि एक ग्राम या एक तोला लगता है? तीन तोला होगा। तीन तोला होगा, ओके। आपको क्या लगता है सर? माइक पे बोल बाजे। तीन तोला। मतलब दोनों को लगता है कि तीन तोला है। सरफराज तुमको क्या लगता है? मुझे तो आज बड़ा लगता है। मतलब के सात या दस? मिस्टर सईद, क्या है इनके डब्बे के अंदर? तीन तोला। तीन तोला है। माइक इसको साइलेंट पे कर बाजे। तीन तोला है। जैसे इनको लगता है आपको भी ऐसे लगता है। अदनान भाई आपको क्या लगता है? इनके पास आज पांच तोला है। पांच तोला, ये कहते हैं पांच, ये कहते हैं तीन। गुड़िया, yes. क्या है? मुझे लगता है सात या दस है। सात या दस, मतलब के सरफराज के साथ ही जाएंगी जी। शाइस्ता, दस। दस तोला। शाइस्ता को भी लगता है दस है। सरफराज तुमको भी लगता है दस या सात है। सना तुमको भी लगता है दस या सात है। अगर ऐसा है तो ये एक ग्राम वाला डब्बा कहाँ है? हम फौरन से उसको खुलवा देते हैं। माजिद और इशरत को लग रहा है कम है। अब देखते हैं पहले डब्बे का इंतखाब जो करते हैं वो कौन सा करते हैं। हाँ भाई बताओ पहला डब्बा। एक में एक ग्राम। हौसले से खेलो माजिद, आज यहाँ से दस तोला लेकर ही जाना है। शाइस्ता कह रही है कि एक में एक ग्राम है, ऐसा ही है शाइस्ता? बिल्कुल। इशरत बाजी हमें भी तो सुन लेना। इशरत परेशान हो गई हो? क्यों घबरा रही हो? क्या परेशानी? एक तो दोनों इतने प्यारे लग रहे हो आज, माशाल्लाह। हिमानी के परफ्यूम देते हैं सबसे पहले आपको। लेके आओ हिमानी के परफ्यूम, लेके आओ फटाफट से, जल्दी जल्दी लेके आओ। जल्दी जल्दी पानी भी, पानी पियेंगे आप? पानी पियेंगे, गला सूख रहा है। टेंशन नहीं लेना, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं आप माशाल्लाह दोनों। फटाफट से हमने पहला डब्बा कौन सा खुलवाना है? इशरत शाइस्ता को लगता है कि नंबर एक में एक ग्राम है। आपको क्या लगता है? माइक बोलो, माइक बोलो। पांच में कम है। पांच में कम है तो पांच खोलते हैं। पांच खोले, नंबर पांच। पांच, नंबर पांच वाली मेरी बहन माइक उड़ाइए फटाफट से। क्या नाम है आपका? मदीना। क्या है इसके अंदर? दस तोला। इसके अंदर दस तोला। जेपीएल लीग का ये प्लेयर है, आइए देखते हैं। ओके 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 ओके। इशरत का दिमाग चल रहा है, थोड़ा स्लो है इसका साबुन, थोड़ा स्लो है लेकिन चल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता गेम में आएंगी। अब देखते हैं क्या करना चाहती है। वो तो फुफ्फो के पीछे पड़ गई है यार। ये क्या औरत है यार, हद हो गई है। तुमने मेरा इलाज ढूंढा नहीं? ढूंढा अभी तक तुमने मेरा इलाज नहीं ढूंढा? अब किसी के पास नहीं तुम्हारा इलाज। अच्छा सना, मेरा इलाज है किसी के पास? में पता आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठे इधर चुप कर। अच्छा अच्छा हाँ सना, मेरा इलाज कैसे होगा? मेरा इलाज आपको इलाज ही क्या जरूरत है? मुझे इलाज की बहुत सख्त जरूरत है। हाँ भाई क्या करें? और ये देखे, हाँ क्या कह रही है ये दानिश? एक या पांच? अदनान भाई एक या पांच? अदनान भाई बस सवाल पूछो सुन हो जाते हैं। इसके अलावा हर बात करा लो इनसे, सवाल पूछो। अभी ट्रांसमिशन कहीं और जा रही है। क्या कह रहे हो अदनान भाई? क्या करना है अदनान भाई? अल्लाह मियां से पूछो मुझसे। ये मुराकबे में उमर खान से बात कर रहे हैं, एक्चुअली इनका कनेक्शन लगा हुआ है। सर एक या पांच? पांच। पांच खोलते हैं। हम नंबर पांच खोलने जा रहे हैं। तुमने कहा इसके अंदर दस सोलह है, अगर दस सोलह हुआ तुमको डब्ल्यूबीपी हिमानी की तरफ से परफ्यूम देंगे। खोलने जा रहा हूँ एक, खोलने जा रहा हूँ दो। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। पहला डब्बा खुलवाने जा रहे हैं। कैमरामैन सारे मिलके बोलो क्यों नाच रहा हूं? मुझे ऐसे छेड़ो मत, तुम लोग म्यूजिक लाग हैं, ऐसे मत किया करो। अब देखते हैं, बहुत अच्छा किया इशरत, बहुत जबरदस्त किया, पांचवा नंबर खुलवाया। इस औरत की बात नहीं मानी, अपने दिल पे गए और आपने एक तोला निकलवा दिया। ये कह रही है कि नंबर एक में एक ग्राम है। हो सकता है अभी भी ऐसा ही हो क्योंकि निकला तो अभी सिर्फ एक तोला है। तो अगला डब्बा हम कौन सा खोलेंगे? मैं एक बार फिर सबसे पूछना चाहता हूँ, शाइस्ता क्या है इनके डब्बे के अंदर? दस तोला। सना दस या सात? मिस्टर सईद तीन तोला। मिस्टर सिद्दीकी पांच। पांच तीन दस, दस। सरफराज
इनके पास बढ़ाइए बढ़ाइए। तो हमें अगला डब्बा खुलवाना है, अगर आपके पास ज्यादा सोना है तो परेशान होने की बात नहीं है, हम आराम से अगला डब्बा खुलवा सकते हैं। आज आपने 10 तोला यहाँ से लेकर ही जाना है मेरे बहन भाई, बताओ कौन सा डब्बा खोले। माजिद करते क्या है आप, माजिद माजिद क्या करते हैं आप, माइक प्राइवेट दो, प्राइवेट कितनी प्राइवेट है के बता नहीं पा रहा भाई। कराची शिपयार्ड। अच्छा वेरी गुड, अच्छा काम करते हैं सर। अब आज अगर आप यहाँ से 10 तोला लेकर जाएंगे तो काम तो आप करते ही है, मशहूर भी साथ साथ में आप हो जाएंगे, तो बताइए कौन सा डब्बा खोले। फिर आ गया ये आदमी, आपका दिल कौन सा कह रहा है इशरत? अच्छा कह रही मेरा दिल 5 बोल रहा था वो मैंने खुलवा लिया, सही जा रहा है ना। अब आप लोग मदद क्या करोगे, मदद करो, मदद करो, ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो। और आप क्या मदद करेंगे, आप एक कठोर आदमी हैं। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है, लेट्स सी। मुझे डर है, मुझे भी डर है, लेकिन लेकिन पता तो किसी को नहीं है, तो आप अगर आप दिल बोल रहे हैं खुलवाना खुलवा लें। बात आखिर में दानिश की मानी जाती है और शहवार की कोई नहीं सुनता। JPL की तारीख में बार बार ऐसा हुआ है, मौरख बेटा लिखो, इनफैक्ट तस्वीर ले लो इस बात की। मौरख आजकल छुप के लिख रहा है, क्वारंटीन में है मौरख। हाँ भाई क्या करें, क्या करें, एक कह रहे हैं वो नंबर एक खोलना है लेकिन घबरा रहे हैं थोड़ा, घबरा रहे। सरफराज क्या चाहते हो तुम, गुड़िया क्या चाहती है, अल्लाह करे ऐसा हो। और अगर आज इन सब ने मिल के बर्बादी की ना तो ये आप सब पे मलबा जाएगा यार, इतने ये 5 दिमाग मिल के बर्बाद कर देते हैं। प्यारे लोग हैं, इनको एक खुलवाने, एक नंबर एक खोलेंगे। मेरी प्यारी बहन भाई बुढ़ाओ, बहुत माशाल्लाह, मैं भी आपसे कह रहा हूँ किसी के बस सुनिएगा, अपने दिमाग से। क्या नाम है आपका? अपने दिमाग से अदनान भाई, आप कह रही है वो इशरत बाजी और माजिद के लिए हमारी प्यारी बहन हमें बताएंगे क्या नाम है आपका। सिद्रा। सिद्रा क्या है इसके अंदर? एक ग्राम। ये कह रही है इसके अंदर 1 ग्राम है, शायस्ता भी कह रही थी इसके अंदर 1 ग्राम है, लेकिन ये ऐसा कह रहे हैं, अब देखते हैं ऐसा है कि नहीं। हमें भाई खुलवाना चाहिए ये डब्बा, मुझे इस पे खतरा है। खतरा है अदनान भाई, खुलवाना चाहिए डब्बा, मुझे लग रहा है क्या होता है, लेकिन पता किसी को नहीं। खतरा पे को ये नहीं होता खतरा। अच्छा क्या होता है, खुलवाना चाहिए मुझे इंशाल्लाह 1 ग्राम होगा, लेकिन एक दफा फिर से आप लोग डिसाइड करें। आप यार तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो ना। सरफराज चुप करके ना, पीछे खुलवाए खुलवाए, डरे नहीं करके खड़ा हो जाता, डरे नहीं, अल्लाह मालिक है, आप कुछ लेके जाएंगे यहाँ से इंशाल्लाह। खोल दूं तो फिर बात बनती है। तो सरफराज तुम्हारा दिल क्या कहता है? अब बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम ले। दिल क्या कह रहा है तुम्हारा? कम होगा इंशाल्लाह, कम होगा। माजिद तेरा दिल क्या कहता है? माजिद 1 ग्राम। और तुम्हारा इशरत? पक्की बात है, खोलने जा रहा हूं तो फिर ए तो पक्का ना। डराए मत यार, नहीं क्योंकि देखो इन दोनों को लग रहा है इनके पास कम है, तो फिर इनको कैसे लग रहा है इनके पास कम है? इनके डब्बे में क्या है, क्या है तुम्हारे पास माजिद? मेरे पास 3 तोला। 3 तोला है तुम्हारे पास? इशरत इशू बैन इशू ये पकड़ो, क्या है तुम्हारे? मेरा माइंड कह रहा है अगर इसमें ज्यादा होता तो आप फौरन खोल देते। अच्छा आओ खोल दे, एक मिनट तुम्हारे माइंड को क्या हुआ, क्या हुआ? सरफराज क्या चाहते हो? सरफराज सरफराज वही करता है जो गुड़िया चाहती है। और गुड़िया क्या चाहती है? ये तो गुड़िया खुद भी नहीं चाहती। एक पे सोच ले, गुड़िया किसी को बताना नहीं चाहती कि गुड़िया क्या चाहती है। एक तो भाई गुड़िया घबराई भी है खुद, खुद ही अपनी टीम को कंफ्यूज कर रहा है। गुड़िया फैसला करो क्या सोच ले, तुम्हारा दिल कह रहा है इशरत तो मैं कॉल ले जा रहा हूँ इशरत। आओ देखते हैं क्या है, आप देखते हैं क्या है इस डब्बे के अंदर। एक मैंने से कहा कि आपके डब्बे में क्या है, इन्होंने कहा 3 तोला, और इनको लगता है कि इसके अंदर 1 ग्राम है। हुमायूं सिंह को लगता है इसके अंदर खतरा है, अदनान को खतरा लगता है, आप देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो फिर एक दो और तुम्हारा मसला क्या है? तुम मुझे क्यों छेड़ रहे हो बार बार? प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मेरी बहन आपको WB भाई हिमानी की तरफ से हम देंगे परफ्यूम, दो चार चार परफ्यूम दो, बांटो, बर्बाद कर दो बादामी को। लाहौर को कुछ और भी दो यार, क्या दे, हार गया है। क्या दे? कुछ भी दे दो लाहौर को, कुछ और भी दे। हाँ। भाई लाहौर वाला परफ्यूम दो हिमानी का फटाफट से, सैनिटाइजर भी दे दो इनको, और हुमायूं भाई
हुमायूं भाई की तरफ से 20,000 रुपए भी दे दो, आपकी तरफ से 1,00,000 रुपए दे दो। दो दो ना, तुमने देना है मुझे। आइए देखते हैं। बहुत अच्छा खेल रही हो इशरत, इशरत बहुत कमाल खेल रही है। आपको इस वक्त लाहौर ने बचाया है और लाहौर में उन्होंने बर्बाद किया। सबसे छोटे नंबर निकल गए। क्या है तुम्हारे डब्बे के अंदर इशरत, टेल मी। तेरा फोन बड़ा बजता है माजिद, पहली दफा बजा कह रहा है, पहली दफा बज रहा है मेरा फोन। इतना ये किसका फोन है? ये वाला बज रहा है, ये वाला। भाई बताओ क्या मसला है? क्या बताइए। 10 तोला कहाँ है इशरत? इशरत तुम बहुत तेज हो, तुम्हारे मासूमियत के सिर्फ एक्सप्रेशन ही है, मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा दिमाग पूरा चल रहा है, ये आदमी तुम्हारी उंगलियों पे नाच रहा है, मैं देख रहा हूँ ये। अब मुझे बताओ क्या करना है अगला डब्बा? पानी पी के रिलैक्स होके बताओ। तुम्हारे नाम की फिल्म भी आ रही है, तुमको पता है, उसका नाम है इशरत बाजी। हमारा दोस्त है मोहिब मिर्जा, वो बना रहा है। ऑल द बेस्ट मोहिब, बाय द वे, गॉड ब्लेस यू। हाँ बताओ इशरत, इशरत इशू इशू फर्स्ट इशू, माइक में बोलो ना। मुझे कम लग रहा है। अच्छा ठीक, आप बताएं, आप आज आप भी बता ही दे। अब 10 तोला यही लग रहा है। वो भाई चौड़ा हो गया माजिद, अब तो 10 तोला यही लग रहा है। अच्छी बात है, ये लालच लालच मार देती है, ये लालच मार देती है। लालच मत करना जो पहले कहा भैया, तीन नंबर है, तीन चार। लालच नहीं करना, जो लाहौर कहे उसी पर चलना, इंशाल्लाह बर्बाद हो गए। तीन डब्बे रहते हैं। सरफराज दिमाग चलाओ, अगला डब्बा कौन सा खोलना है फैसला करो। वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है, फैसला नहीं हो पा रहा। नंबर तीन में क्या हुआ? नंबर तीन खुला। शाइस्ता क्या है नंबर तीन? तीन तोला। वेरी गुड। सना क्या है नंबर तीन? हुमायूं सईद क्या है नंबर तीन? 5 तोला। मिस्टर अदनान क्या है नंबर तीन के अंदर? पहले ये कह रहे थे अल्लाह को पता, अल्लाह के पास 5 तोला है, अब तीन हक है पर सच है। अल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी और उसके बंदे। ओके डन। आप बताइए नंबर तीन ही खुलवाना, पक्की बात है? नंबर तीन वाली मेरी बहन, क्या नाम है आपका? आयशा जी। आयशा क्या है इसके अंदर बताओ? 7 तोला। 7 तोला। आयशा कह रही है इसके अंदर 7 तोला, अगर इसके अंदर 7 तोला हुआ TCL कह रही है आपको दूंगा। खोलने जा रहा हूँ, एक खोलने जा रहा हूँ, रुक जाओ। सरफराज गेम पढ़ रहा है, सरफराज का दिमाग चल रहा है, विकेट कीपर। और अगर स्लिप पे नंबर का कह रहा है ना, और कैच आएगा जा रहा है कि तीन स्लिप का, तीन नंबर आ रहा है, विकेट कीपर कैच करेगा या स्लिप वाला कैच करेगा? आखिर ये कैच करेगा? तीन नंबर आ रहा है दिमाग में। भाई नंबर चार से पूछते हैं कि नंबर चार वाली मेरी बहन के पास क्या है? मेरी बहन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्या है तो है, नाम क्या है आपका? सायरा। सायरा क्या है इसके अंदर? 3 तोला। 3 तोला इसके अंदर, 3 तोला उसके अंदर, 7 तोला। नंबर 6 वाली बहन से भी पूछ ही लेते हैं, किस्सा मुकाते हैं। नंबर 6 वाली मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? रिशाद। क्या है इसके अंदर रिशाद? 10 तोला। 10 तोला यहाँ, 7 तोला वहाँ और 3 तोला यहाँ। इस हिसाब से आपके पास 5 तोला होता है। अब बताइए अगला डब्बा कौन सा खोलना है? इशरत के लिए नंबर तीन खोलना है। नंबर तीन, नंबर तीन खोलने जा रहे हैं। तो फिर एक सारे मिलकर बोलो कैमरामैन। पहली बार ऐसा हुआ है, 1 तोला 1 ग्राम 10 तोला लेके जाओ। ओ भाई सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हुआ? वापस जाए अपनी जगह पे आप लोग। मेरा 6 फीट का फासला है इनसे। यार आप वहां बैठे, आप वहां बैठे यार। सबसे ये पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा 1 तोला 1 ग्राम माशाल्लाह। सरफराज तू आज कुछ करके आया? मैं नहीं करके आया, ये करके आई है। आज तू कुछ करके आया है? ना ना ना, ये नहीं आज, आज ये कुछ करके आया है। अब रह गया 5 तोला, किस्मत की धनी है मेरी बहन। या रह गया 7 तोला, या रह गया 10 तोला। क्या बात है, क्या बात है माजिद, करोना नहीं होता माजिद, मैंने तुम्हारे पप्पी ले लेने दिया। अब देख रहा ये कि क्या होगा आगे। सवाल मिस्टर सरफराज, क्या है इनके डब्बे के अंदर? इनके डब्बे में तो बड़ा ही है, 7 या 10। शाइस्ता 10। सना इनके बॉक्स में मैंने 1 और 10 बोला था, वो ही निकला है। इसमें 10 है, इसमें 10 है। मिस्टर सईद
आप अगर अपने फोन अगर आपने आप उठाया ना तो मैं मुसलसल कैमरा आपके ऊपर रखूंगा। क्या किया? आप फोन क्यों उठा रहे बार बार? आपने अभी रखा है फोन वापस? नहीं समीना, नहीं मैंने फोन को हाथ ही नहीं लगाया। इनके ऊपर एक कैमरा, बार बार फोन उठा रहे हैं। मुस्तकबल के यहाँ कैमरा लगाओ और ये यहाँ से इनको शूट करो। नहीं आता। बताए क्या है? किसमें? इनके अपने आप फोन में थोड़ी पूछ रहे क्या है? मैं तो कह रहा था पहले तीन है तो गलत हो गया। अब क्या है? अब तो पाँच तोला। पाँच तोला मतलब सात या दस? फिर भी नहीं, मैंने कहा दस। पाँच तोला। पाँच है। बहुत सोच समझ के लाहौर और कराची कह रहा है पाँच है, शाइस्ता कह रही है दस है, इस्लामाबाद भी कह रहा है दस है, ऐसा ही है? तुम क्या कह रहे हो? हाँ यहाँ पे बड़ा है सात या दस। सात या दस। अब हमें ये पाँच तोले वाला डब्बा खुलवाना है। इशरत, इशरत, इशरत मेरी प्यारी बहन इशरत, कौन सा डब्बा खोल? डर के आगे जीत है। चार का दिल कह रहा है नंबर चार। नंबर चार में क्या है शायद? प्रॉब्ली पांच। सना पांच। सईद साहब पांच। मिस्टर अदनान मैं तो पहले से पांच कह रहा हूँ। आप तो इधर पांच कह रहे हैं यार, मैं नंबर चार का पूछ रहा हूँ। हर बात का चार का, चार का, चार में दस। दस है? चार में सात। चार में दस। पांच है ना? पांच है। सरफराज नंबर चार में क्या है? तुम्हें कौन कोई जुनेद बंगाली तुम्हें बता रहा है कि क्या करना? मैच जा रहे हैं ना, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऑड नंबर खुलवाएं, ऑड नंबर। आप खेले खेले, आइए देखते हैं। नंबर चार खोल रहे हैं। नंबर चार वाली मेरी बहन, मेरी बहन का नाम था आयशा। सायरा। सायरा, सायरा, सायरा क्या है आपके डब्बे के अंदर? पांच। पांच है। अगर पांच हुआ आपको TCL का LED दूंगा। खोलने जा रहा हूँ। ए माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो फिर अरे यार सरप्राइज क्या है यार? तीन अच्छे होते हैं, चौथा कोई ना कोई खराबी आ जाती है चौथे में। देखो अब तक इनका बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे तो लगता था तीन यहाँ है तो अब वो निकल आया। अल्लाह मालिक है, दिमाग चला रहे हैं कप्तान। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। कैमरामैन सारे मिलके बोलो, बोलो ये लो। चलो ठीक है। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, ये क्या हो गया? सात तालों मौजूद है। लोगों ने सरफराज को मैसेज किया बहुत अच्छा खेल रहे हैं और नजर लग गई। ऐसे होता है। अब देखना यह है कि आज आप यहां से सात तोला लेकर जाते हैं या फिर पांच तोला। लेकिन मेरा मशहूर जमाना सवाल इसी वक्त अप्लाई होता है और वो ये है कि अगर सात तोला निकलता है सवाल तो कर दिया। बोलो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना, तो बोलो हाँ कि ना। नहीं रिस्क ना ले, आखिरी फैसला नहीं चाहिए। अहमद मेरे प्यारे अहमद जी, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे? कितने कार्ड हैं तुम्हारे ट्रेजर बॉक्स के अंदर अहमद? दो कार्ड। और क्या होगा इन दो कार्ड्स के अंदर? गाड़ी और 10 तोला सोना। तो फिर ले 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 चाहिए तो उनको कहना पड़ेगा हाँ, अगर नहीं चाहिए तो कहना पड़ेगा ना। इसीलिए हम इनसे पूछ रहे हैं गुड़िया तो बोलो हाँ कीना। नो नो नो। शाइस्ता बोलो हाँ हाँ कीना। हाँ हाँ। अदनान भाई हाँ। हाँ सईद भाई हाँ कीना। ले लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। सरब्राज तो बोलो कीना। मेरा दिल भी कह रहा है तो फिर ले ले कहना चाहता है आप सब लोगों से। मैं चाहता हूं आप लोग गौर से सुने, मैं चाहता हूं आप लोग गौर से सुने कि अहमद क्या कहना चाहता है। आज भाई आप बहुत प्यारे लग रहे। ओए 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 मैं मुझे एक बात पता है कि तुम सबसे ज्यादा प्यारे हो पूरे पाकिस्तान में
और तुम जे जे का बचपन लगते हो, ये मुझे पता है ना, है ना, लगता है ना, लगता है ना, चश्मे भी वैसे ही हैं, ऐसा ऐसा हरकतें भी जे जे जैसी करने लगा है, खूबसूरत है मगर, खूबसूरत है मगर, मगर क्या मतलब, जे जे खूबसूरत नहीं है, ज्यादा गोरा है यार, अच्छा, ओके, ओके, गोरा है। अब देखते हैं कि क्या करना चाहिए अहमद, क्या करना चाहिए इनको, ट्रेजर बॉक्स लेना चाहिए, तो फिर ले ले। इशरत बोलो हाँ, माजिद बोलो हाँ, माजिद साहब का मैच बताओ, वो तो थोड़ा राजी हुई, वो राजी हुई है भाई, 5 तक गिनूंगा, पैसा करो तो नहीं चाहिए ना, तो फिर नहीं चाहिए ना भाई, नहीं चाहिए ना, मना कर दे फिर, मना कर दे, अगर नहीं चाहिए तो बोलो ओके अहमद, बाय बाय कर दो, बाय बाय, ट्रेजर बॉक्स चला गया है मैदान से, हम आ गए हैं दोबारा वापस वहीं पर, 5 तोला या फिर 7 तोला, और मेरा फिर वही सवाल, अब कुछ बकवास मत करना बीच में खुर्रम, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्या चाहते हैं आप, 7 तोला जीतेंगे तो डील बॉक्स लेंगे या फिर 7 तोला लेंगे, क्या लेंगे, डील बॉक्स, पक्की बात है, आइए फिर देखते हैं आज डील बॉक्स के अंदर कार्ड कितने हैं, लेट्स सी आज डील बॉक्स में कितने कार्ड रखे हैं हमारे बाबा ने, लेट्स सी, आ जाओ, चलो भाई सारे मिलके गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 कार्ड है, 14 ही है ना, 14 कार्ड है ना, 14 कार्ड हमारे पास मौजूद है, अगर 7 तोला निकला तो आज आप ये पूरे के पूरे 14 कार्ड लेंगे, ऐसे ही हो गए, ऐसे ही बात हो गई हमारी, बात बन गई हमारी, अब पता ये करना है, अब पता ये करना है कि क्या इनके डब्बे में आज 7 तोला है कि नहीं है, सना है कि नहीं है, सईद साहब है कि नहीं है, मुझे लगता था आज 3 या 5 है, 3 या 5 है, मतलब कि 7 तो हो नहीं सकता, 7 तोला 6 में, 5 या 7, बोलो शाइस्ता, बोलो खुल के बोलो, 5 तोला लगता है, 5 तोला, इधर 5 or 7, डोंट गो फॉर डील बॉक्स, अगर 7 आएगा तो तभी डील बॉक्स, इतनी चालाक के औरत, अगर 5 तोला निकलता है सरफराज तो तुम नहीं जीतते हो, ये औरत बहुत तेज है, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, कह रही मैं इन लोग के जिताने के लिए, नहीं नहीं ये अभी तक लगी थी, इतनी तेज है ये खुदा की, हमने हथियार डाल दिए, ये लगी, फैसला करो क्या है सबके अंदर, सरफराज क्या है सबके अंदर, सरफराज इनको 7 लग रहा है, 7 तोला, तो 7 तोला होगा तो 7 तोला तो नहीं चाहिए ना, नहीं एक्सचेंज कर लो, डील बॉक्स ही चाहिए, एक्सचेंज कर लो, लेकिन 7 तोला है ना, पक्का ना चाहिए भी, 7 तोला नहीं, डील बॉक्स ही चाहिए ना, अगर 7 नहीं था तो डील बॉक्स लेंगे ना, तो 7 है ना, दोनों चाहिए, है ना, 7 तोला है ना, ये पड़ा हुआ तुम्हारा डब्बा, अब हम खोलते हैं डील बॉक्स के 14 कार्ड, आइए देखते हैं क्या है इन 14 कार्ड के अंदर, माजिद भाई क्या कह रहे हैं, लेट्स सी, माजिद भाई सही है, माजिद, माजिद ठीक है, हमारी बात बन गई, अगर 7 तोला आज निकलता है तो ये लोग यहाँ से डील बॉक्स के 14 कार्ड लेंगे, अगर 7 तोला निकलता है तो पहला कार्ड खोलने जा रहा हूं, तो फिर 1 2 और ये लो, और आते के साथ ही क्यों खेल की मोड़ भाई, क्या बात है, पहले कार्ड में निकल गई है मोटर बाइक, कार्ड कितने रह गए शाइस्ता, पीछे मेरे पास शाइस्ता 13 कार्ड रह गए, चेंज कर सकते हैं किससे, जो रह गया अभी उधर भाई, देखिए इधर वेज इनको 7 तोला निकालना है, अब डब्बा एक्सचेंज करके निकालें या डब्बा रख के निकालें, 7 तोला निकालेंगे तो डील बॉक्स मिलेगा, ऐसा ही है ना, अब देखते हैं क्या होने जा रहा है, कार्ड कितने रह गए मेरे पास,
तेरा, तो फिर एक दो और ये लो, और एलईडी मारोस ब्यूटी पार्लर की तरफ से एक इशरत बाजी की कॉल आ गई है। किसकी कॉल आ रही है इशरत बाजी की? माइक उठा के बोलिए। इशरत बाजी सुन रही है और से। सिर्फ इस गेम में शायस्ता कंपेटिटिव हुई भी है, बाकी सब ने जो है हथियार डाल दिए। ये गिर गए थे। लाहौर को चेक करो यार, लाहौर की अजमत को सलाम। अच्छा अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। भाई यही फैसला। इशरत किसका फोन है? इशरत घबराना नहीं, किसका? माइक में बताओ, माइक में बताओ इशरत। बेटी का है। बेटी क्या कहती है? डील बॉक्स ले। सात तोला है, उससे पूछो है तुम्हारे डब्बे में सात तोला? कार्ड दिया उसने फोन। आइए देखते हैं क्या है इन 12 कार्ड्स के अंदर। लेट्स सी। तो फिर ए, अगर सात तोला निकला तो ही डील बॉक्स निकलेगा। तो और ये लो, ये क्या है? मोटरबाइक डायमंड पेंट की तरफ से। सरफराज अपना हिसाब लगाना शुरू हो गए हैं। अब देखते हैं कि क्या कर पाते हैं आज सरफराज। क्या आज यहाँ से 5 लाख से ऊपर का सामान लेकर जा पाएंगे या नहीं लेकर जा पाएंगे? कार्ड रह गए मेरे पास सना कितने, सना कितने? तो फिर 11 कार्ड सना। अब 11 कार्ड। ओके ओके। कोई डील तो नहीं चाहिए ना सरफराज? सरफराज कोई डील तो नहीं चाहिए? माजिद कोई डील तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। ओके आज हम कोई डील। एक मिनट, क्या डील है आपके? डील तो बताइए। वो नहीं दे रहे, वो ठीक है। आइए देखते हैं 11 कार्ड मेरे पास मौजूद है। तो फिर ए, तो और ये लो भाई, ये क्या है? नेस गैस की तरफ से किचन हॉप। नॉट बैड एट ऑल। हमारे पास कार्ड रह गए गुड़िया कितने? 10। वेरी गुड गुड़िया, गुड, आई लाइक इट। आप खोलने जा रहे हैं 10वां कार्ड। याद रहेगा 7 तोला निकला तो ये यहाँ से डील बॉक्स में जाएंगे। तो फिर एक दो और ये लो, ये क्या है भाई? बाइक कुदरत की तरफ से है ना, 7 तोला है ना माजिद, है ना? नहीं भी, ये तो डील बॉक्स तो है ना। कोई नहीं, एक तोला भी है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ? इन सबको आप चारों मिलके क्लियर करें कि अगर 7 तोला निकला तो ही डील बॉक्स मिलेगा। ये कह रही है मुझे वैसे भी मिल जाएगा 1 तोले पे भी। बताओ, हम बहुत सख्त हो, हमारा बहुत सख्त हो। वेरी, अरे है भाई ऐसा ही है, नहीं है ऐसा? कैसे हो? देखो यार मुंह पे मुझे कह रहे नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं बात भाई, आप ऐसे तो नहीं, हम ऐसे ही हैं। जी हाँ बिल्कुल। कार्ड कितने रह गए सना? कितने कार्ड रह गए? 9। वेरी गुड, याद रखना 9 कार्ड रह गए। 7 तोला है ना, इंशाल्लाह है ना? तो फिर ए, याद रहे डील बॉक्स सब मिलेगा जब इनके पास 7 तोला होगा। तो फिर दो, तो फिर ये लो भाई, ये क्या है? मल्टी नेट जैसे फूड प्रोसेसर, ओवन, टोस्टर, जूसर, ब्लेंडर। बेटी को बोलो 7 तोला निकलेगा तो ही डील बॉक्स मिलेगा। माजिद 5 भी निकल सकता है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा गुड़िया, इसी वजह से तुम हार रही हो पिछले इतने मैचों से। मुझे एक गाना आ गया गुड़िया पे। वो कौन सा भाई? बजाए आप। बोल री गुड़िया बोल, जरा जरा बोल री गुड़िया बोल। गुड़िया सॉरी। ये गानों में दिमाग लड़ा लड़ा के आपने लाहौर को हराया है। अगर यही दिमाग आप यहाँ अप्लाई करते तो आज ये सर खुजाने की नौबत ना आती आपकी। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। तू, it's okay, I'm with you। कार्ड रह गए, इसीलिए तुम हार रही हो, इसीलिए। अब तुम देख, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तुम सनम जंग को फोन करके बात करो, पूछो, बताएगी तुम्हें। अब बताओ कितने कार्ड है मेरे पास? 8। अरे यार देखा, चढ़ गया रंग खरबूजे का रंग। अरे यार क्या बात, 5 कार्ड खुल गए ना? 5 हमारे पास रह गए कुल मिला के पीछे 8 कार्ड गुड़िया। तो फिर ए, दो और सरफराज का फेवरेट। आज बहुत जल्दी आया ये, आज कुछ गड़बड़ लगती है मुझे सरफराज। सरफराज कोई डील तो नहीं चाहिए ना? अल्लाह से अंदाजा लगा।
कोई अच्छी डील दे रहे हैं। सरफराज डील चाहिए, अगर कोई अच्छी डील दे सकते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं नहीं दूंगा। आइए देखते हैं अगले कार्ड के अंदर क्या है। गुड़िया जी कितने कार्ड? 7। तो फिर ए तो और ये लो। ब्लेंडर, केटल, सैंडविच मेकर और स्त्री सीएनई की तरफ से। सरफराज कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? देखिए क्या होता है। शाइस्ता क्या है इन लोगों के डब्बे के अंदर? 7। सना क्या है इनके डब्बे के अंदर? इंशाल्लाह 7। सईद साहब क्या है इनके डब्बे के अंदर? मुझे 5 लगता है। आप देखते हैं क्या है आप चेंज करवाले डब्बे के अंदर। अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर 7 तोला है तो ही इनको डील बॉक्स मिलेगा। तो फिर एक मिनट ना, वो कुछ कह रही है। क्या कह रही है इशरत? भाई डील बॉक्स चाहिए। 7 तोला निकालो, डील बॉक्स ले लो। चलो मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, अपना बॉक्स छोड़ो, सामने वाला डील बॉक्स भी, सामने वाला डब्बा भी छोड़ो, सामने वाला डब्बा भी छोड़ो, और अभी के अभी ये सामान और एक तोला सोना ले 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 ले। नो नो, नहीं चाहिए। तोला क्या होता है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो फिर आओ देखते हैं कि तुम्हारे डब्बे में क्या है। ए तो दो तोला ये सारी चीजें ले 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 ले। तो थोड़ा कम है ना? दो तोला कम है? दो तोले की प्रॉब्लम लग रही है तुमको? थोड़ा तो फिर 3 दिया तुम्हारे कहने पे। 3 तोला ये सारी चीजें ले 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 ले। कितने तोला? 3 तोला। मैंने इनको ऑफर दी 3 तोला ये सारी चीजें, ले घर जाए। अच्छी ऑफर है, अच्छी ऑफर है। 3 तोला पूरा डील दो। क्या 3 तोला पूरा डील दो? ये देखो ये नहीं नहीं तो वो तो फिर आइए देखते हैं क्या है। अब इनको डील बॉक्स तभी मिलेगा जब इनके डब्बे में 7 तोला होगा। मैंने इनको ऑफर दी, मैंने इनको ऑफर दी। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो दो चीज देखिए, अभी यहाँ तो इसमें 5 होगा। देखिए इतना कुछ नहीं करें, सरफराज के मुंह पर आप 5 तोला दे देंगे सारे। मैं नहीं दे रहा। अच्छा मुझे एक बात बताए, अगर खुदा ना खास्ता डील बॉक्स हार गए तो उसके बराबर ये वो इन्हीं का। एग्जैक्टली, उससे बेहतर है रेस्ट। हां तो 3 तोला ये सामान तो उस डब्बे की वर्थ से कम है ना, मत लेना। कितने कार्ड है अहमद आज ट्रेजर बॉक्स के अंदर? अहमद कितने कार्ड? 2 कार्ड। 2 कार्ड है आज ट्रेजर बॉक्स के अंदर। और अहमद सरफराज जी मेरी जान, ट्रेजर बॉक्स ले ले, उसके अंदर 10 तोला सोना है, आपके डब्बे में 5 तोला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे के ले 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 ले। अगर ट्रेजर बॉक्स सारे पास चाहिए तो सब कुछ छोड़ना होगा और ट्रेजर बॉक्स लेना होगा। अगर चाहिए तो बोलो हाँ, अगर नहीं चाहिए तो बोलो ना, तो बोलो हाँ की ना, तो बोलो हाँ की ना। ले ले शाइस्ता बोलो हाँ की ना। बात किस्मत की है, शाइस्ता लेना है वहाँ भी रिस्क है। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ी सी बड़ा एक में 10 तोला, एक में गाड़ी, तो बोलो हाँ की ना। इशरत बाजी ले ले, हाँ की ना। यार ले ले, दो नहीं चाहिए ना, 100% ले लो ले लो, बेहतर चीज है। 5 करो आप, 5 करो, 5 3 2। इन्होंने ट्रेजर बॉक्स ना एक मिनट एक मिनट भाई ले रे ले रे ले रे ले रे ले रे, तो बोलो हाँ की ना। अहमद बोलो हाँ की ना। 5 गिनूंगा, पैसा करो इशरत बोलो हाँ की ना। बहुत लंबी बात चाहिए ना, नहीं चाहिए ना। ट्रेजर बॉक्स इन्होंने
मना कर दिया। आइए देखते हैं क्या है। समझाने दो। पाँच चार तीन दो एक। बस दो कार्ड है। एक मिनट एक मिनट दो कार्ड है कुछ तो यार। एक दो कार्ड है सोच। अभी ट्रेजर बॉक्स खुला नहीं है। उसका माइक तो खोल दे। ले ले प्यार से बोलता है लड़का। एक बार बोलता है कॉन्फिडेंटली बोलता है कहता है ले ले ट्रेजर बॉक्स। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए ना? आओ देखते हैं ट्रेजर बॉक्स के अंदर क्या है। इन्होंने ट्रेजर बॉक्स नहीं लिया तो अब सब लोग साइड पे हो जाए। जिससे आप अदनान भाई साइड पे हो जाए, सना साइड पे हो जाए, चायसा साइड पे हो जाए। इशरत मुझे देखो, मुझे बताओ ट्रेजर बॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए? माइक पे बोलो, माइक पे बोलो। इशरत बोलो। आपको जिताने चाह रही है, वो चाह रही है कि आप लोगों को अच्छा हाँ, मिले। तो नहीं नहीं मैं हरा। जिताना 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 बोलो। कह रहे हैं कि वो चाह रही है कि आप ज्यादा। बच्चों से पूछने का टाइम नहीं है। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी घर जाना है। हमें बताओ फटाफट से हम क्या करें, जल्दी बता दो फटाफट से। पांच से गिनेंगे। पांच चार तीन दो एक। आओ देखते हैं क्या है ट्रेजर बॉक्स के अंदर। इन्होंने ट्रेजर बॉक्स नहीं लिया। आइए देखते हैं क्या है। एक बार ट्रेजर बॉक्स खुल गया तो उनको नहीं मिलेगा तो फिर बोले ट्रेजर बॉक्स छोड़ दे, छोड़ नहीं दे। लिया। अब देखते हैं क्या है आज ट्रेजर बॉक्स के अंदर। याद रहे ये ट्रेजर बॉक्स इनका नहीं है। तो फिर एक दो पांच तोला। अभी एक कार्ड और है। आप छोड़ दीजिए, छोड़ दे। अब तो खुल गया, कुछ नहीं होगा। पांच तोला गया, अभी गाड़ी भी जा। छोड़ दे, गया गया। अब देखते हैं इस एक कार्ड के अंदर अभी भी एक कार्ड ले सकते हैं क्या? तो फिर क्या कह रही? क्या कह रही? माइक बोलो, माइक बोलो, खुल के बोलो। टेंशन नहीं है, दे रहे हैं अभी। सब छोड़ो, ये एक कार्ड ले 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 ले। अगर लेते तो सही था। अच्छा क्यों अहमद? ले लो ले लो। नहीं यार एक कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अहमद क्या है इस आखिरी कार्ड के अंदर? गाड़ी। तो फिर ले लो। तो फिर एक दो और ओए ओए ओए। चौदह तोला मतलब के पांच और सात हुआ तेरह। तेरह बारह 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 तोला। थैंक यू अहमद। अब ये डील बॉक्स भी तभी मिलेगा जब आप यहां से सात तोला निकाल कर जाएंगे। बारह तोले की ऑफर ठुकरा दी है इन लोगों ने। ये है वो लोग इशरत और माजिद, इन्होंने बारह तोले ठुकराया है। ये एक बात तो बताओ, ये लालच किया आपने? और एक बात तो बताओ सारे मिलके, आपके डब्बे में सात तोला है ना? उम्मीद कर सकते हैं है ना? है ना? शाइस्ता है ना? पता नहीं। सना है ना? इंशाल्लाह। हुमायूं भाई है ना? नहीं है? इनके अपने पास सात तोला, मुझे नहीं लगता। अदनान भाई पांच, पांच तोला। ये भले लोग कह रहे हैं कि आपके पास नहीं है सात तोला। समझा रहे हैं सब अपनी। मैं आपको ऑफर देता हूँ अभी के अभी, दोनों डब्बे छोड़ो, दो तोला, ये सारी चीजें लो। ले 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 ले। सही कर रहा हूँ ना मैं? सही कर रहा हूँ। वेरी गुड, गुड। तुम मेरी पार्टी के हो। सरदार से क्या इससे बेहतर है पांच तोला ले लो। भाई दो लाख डब्बा खुलवाओ, फिर ये खुलवाए खुलवाए
अगर मैं दो तोला और ये चीजें देता हूँ तो तुम जीतते नहीं हो। नो 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 बिल्कुल ऐसा ही कहा था। ये फोन पता नहीं किसने इनको फोन पे ये मशवरा दिया। फोन पे फोन को छोड़े हम हमें ज्यादा पता ने भी कहा था ले लो आपके साइड फोन आपको मरवाएगा। सब लोग बैठे हुए ना वो इनको पता है बेटी ने मरवाया है बेटी ने पहले। अब देखते हैं जिसने भी मरवाया है नहीं पता बच्चों को भी कुछ भी ना। अब मेरी बात सुनो आखिरी बार पूछ रहा हूँ 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 दो तोला ये सारी चीजें माइक पे बोलो माइक पे बोलो नहीं चाहिए ऑफर बढ़ाएं। पता है इनका कोई कसूर नहीं है माजिद भाई बराबर में सही नहीं 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 कर रहे थे आप अपनी बेगम की बात। अब देखते हैं कि अगले कार्ड के अंदर क्या है। कार्ड कितने रह गए मेरे पास कार्ड कितने रह गए मेरे पास। सना चाय पीने का टाइम नहीं है सॉरी कितने कार्ड रह गए मेरे पास। सेवन छह कार्ड तो फिर याद रहे ये डील बॉक्स इन लोगों को तभी मिलेगा जब इनके पास सात तोला होगा। आइए देखते हैं छठे कार्ड में क्या है। ए दो और ये लो। ओ माय गॉड होम थिएटर जाने सीरी की तरफ से अगला कार्ड खोलने जा रहा हूं। पांचवा कार्ड है ये लेट्स सी क्या है इस कार्ड के अंदर। तो फिर एक दो और ये लो। ये नए आइटम ऐड हुए लस्सी वस्सी तो नहीं आ रही कहीं समोसे तरबूज मुझे दे दो। मोबाइल सही अचानक से अल्लाह नहीं नहीं उठ के सामने जाके ही जो है ना वो मशवरा देना शुरू हो जाते हैं। उनके दिल में अचानक से कोई ख्याल आता है। इशरत मेरी बहन ये देखो भाई ये अच्छी चीज है। मैं तुम्हें आखिरी ऑफर दे रहा हूँ इशरत इसके बाद मैं कोई ऑफर नहीं दूंगा। ये लास्ट आखिर के जो मेरे पास चार कार्ड है ये भी खुल जाएंगे अभी के अभी। ये सारी चीजें और इसके ऊपर दो तोला नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये भी ले ले इससे भी जाएंगे आप ले लो ले लो ले ले ये भी ले ले इससे भी जाएंगे आप ले लो पांच क्यों ये देखो तू मत हिलना लड्डू वो बस हिलते रहे हिल जा तू हिल जा। उनका तो मसला पहले दिन से नहीं हुआ सेट बस हो गया मामला बट ठीक है। हाँ भाई हाँ तो ये तो फिर अब यही खड़े रहना यही खड़े रहना। अब एक चीज समझ नहीं रही है इनको थोड़ा समझाना चाहिए इनको आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ अब कहाँ जाऊँ। कैमरामैन के स्टाइल हो रहे हैं भाई ये बता अदनान भाई कैमरा के मकनातीस है। हाँ बताइए आप लगे रहे आप लगे रहे हमारा आपस का मामला चल रहा है हम अपनी ऑडियंस से खुद बात कर रहे हैं। अदनान भाई इस समझा रहे हैं अब देखो वो आदमी समझा रहा है इसने खुद आज तक कुछ एक ढंग का काम नहीं किया पूरे पूरे 21-22 दिनों में। अब वो आदमी समझाता हुआ कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है नहीं आ रही वेरी गुड आई बैठ जाइए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो सही कह रही हैगा बिल्कुल हैगा वो कह रही है मैं समझा रहा हूँ आपको वो कह रही है कि मैं ये क्यों लूँ दो तोला ये चीजें जबकि मेरा आखिरी डब्बा में अगर पांच तोला भी मैंने भी उनको ये कहा कि तीन तोला के साथ अगर मिले तो ले लेना। मैं भी ये कह रही हूँ कि आप बैठ जाए इसी बात पे आपको हाशमी स्मगल की मोटरबाइक देता हूँ ताकि आपका मामला ठीक रहे रिलैक्स हो जाए टेंशन नहीं। अब देखते हैं नहीं चाहिए ये देखो तुम जितनी मासूम लग रही थी तुम हो नहीं। आओ देखते हैं क्या है तो फिर आखिर के चार मेरी भी तबीयत खराब है मेरी भी तबीयत खराब है मेरी भी तुम भी कहो तबीयत खराब है आइए क्यों क्यों कह दो अरे एक मिनट आपको डिहाइड्रेशन हो रही तरबूज खाए आपकी तरबूज से ठीक हो जाएगी तरबूज से तो फूड पॉइजनिंग होती है। आइए देखते हैं क्या है इन आखिरी चार कार्ड के अंदर तो फिर एक दो और ये लो वो एक तोला सोना सही है। अब रह गया हमारे पास पीछे डील में ही रहिएगा तीन तीन कार्ड यार जिसमें पहले गोल्ड आ जाता है ना उसके बाद कुछ नहीं आता उसके बाद शायस्ता कहती है जिसके अंदर पहले गोल्ड आ जाता है उसके बाद सिर्फ इसका गोल ही निकलता है। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है सरप्राइज क्या है आखिरी तीन कार्ड के अच्छा अच्छा हो सकता है लेकिन अब कुछ पता नहीं इस तरह गेम चेंज हो रहा है यू नेवर नो। अभी तक 3,25,000 रुपए का सामान निकल चुका है। अब देखते हैं कि आखिर के तीन कार्ड्स के अंदर क्या है तो फिर एक दो कोई यार मिलेगी आपको बैठ जाए आप रिलैक्स हो जाए आप बैठ जाए वापस बैठ जाए
इधर एक पंखा भी लगा दो ताकि इनके बाल वाल भी हिलना शुरू हो जाए। मैं कुर्सी पे थक गया हूँ जरा, मेरी कमर से। मुझे ऐसा लग रहा है आपको आशमी इसबगोल खाने की जरूरत है, आप बैठे रिलैक्स हो जाए। अब देखते हैं, अब देखते हैं आखिर के तीन कार्ड्स के अंदर क्या है। तो फिर एक, तो फिर दो, और अरे यार कोई नहीं, ये सब तो आता ही है, कोई मसला नहीं यार। जलेबी समोसे निकलते रहेंगे, प्लीज प्लीज। अभी के अभी सब कुछ छोड़ो, ये एक तोला, इसके ऊपर दो तोला और देता हूँ। हाँ हाँ। तीन तोला लो, ये सारी चीजें लो। ले 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 बेस्ट है, ले ले अच्छी डील है। नहीं वैसे एक बात है, अब ले ले हो गया। नहीं वैसे एक बात है, अगर इन्हें इसका बॉक्स भी मिलेगा तो 500 तो मिलेगा ना, क्यों नहीं, फिर वो इन सब चीजों से ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही पांच भी नहीं, समझाएं और समझाएं भी मिलेगा ना हमें, किसी को नहीं समझाओ मुझे क्या समझा रही। नहीं 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 नहीं, इनके पास जो बॉक्स है ये ले, और अभी आपने जो ऑफर दिए वो मतलब के तीन तोला हो गया। नाइन वो गेम खेलेंगे भाई, गेम खेल रहे हैं। 93 into 3 अभी हो जाता है। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कोई मेरी बात का जवाब। 279 बैठ जाओ, बैठ जाओ। 2,79,000 रुपए का ये तीन तोले का सोना। आपने दो वाला छोड़ा, अगर आपने अपनी किस्मत पर यकीन है कि नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मिल गया तो अल्लाह का शुक्र है। गुड, पूरे कार्ड खेलने पे, अगर खेलना है तो गुड, अपनी किस्मत का खेलना है तो बस किस्मत पे खेलने दो। एक मिनट, इतने लोग तीन तोले वाली ऑफर कुल मिला के 6,00,000 और बनते हैं 10,000 रुपए का सामान बनता है। नहीं चाहिए आपका, देखिए 7 तोला नहीं निकले तो 5 तोला 4,50,000 रुपए। अभी आपको 6,00,000 रुपए में सामान, किस्मत का खेलना है। एक मिनट किस्मत का खेलना है आपने आपके साथ, ठीक है चल काट दो इनकी किस्मत का खेलना। आइए देखते हैं अगला कार्ड क्या है। हमारे पास कार्ड रह गए कुल मिला के पीछे 2, 1, 2, 1 मिनट। याद रहे मैंने इनको ऑफर दी 3 तोला, ये सारी चीजें इन्होंने नहीं ली। डील बॉक्स भी उनको तब मिलेगा जब उनके पास 7 तोला होगा, मगर 5 तोला तो मिलेगा ही ना? मिलेगा ही मिलेगा, एब्सोल्युटली। आइए देखते हैं रिस्क लेना चाहिए क्या है इन आखिर दो कार्ड के अंदर। तो फिर एक, तो फिर दो, बहुत मेहनती कप्तान है, आखिरी बॉल तक लड़ना चाहता है। चीजें नहीं मिलेंगी, ये देखो ये आए एक्स्ट्रा मेहनती कप्तान। फर्ज कर आखिरी कार्ड में 10 तोला है 10 तोला छोड़े यार, 7 तोला निकल भी सकता है। इतनी मेहनत अगर तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हुआ, मैं 6.5 फीट दूर हूँ। ओके सारी डील कैंसिल, कैमरामैन तुम्हारे ऊपर कैंसिल करूंगा। आओ बेटा इधर आओ, ये देखो ये और ये, हमने इनको ऑफर दी थी 3 तोला, पता छोड़ दे किस्मत पे, वो पक्के हो गए। अब देखते हैं छोड़ दे, अब ये पूरा का पूरा डील लॉक है। सरफराज वो नहीं सुन रहे यार, सरफराज सरफराज नहीं सुन रहे, वो नहीं सुनेंगे। माजिद भाई लग बहुत मासूम रहे हैं, नहीं मुझे तो इशरत भी मासूम नहीं लग रही। अब देखते हैं क्या है। इशरत ने मुझे यूं देखा, अच्छा आइए देखते हैं क्या है इन आखिर के दो कार्ड्स के अंदर। तो फिर एक, तो फिर दो, तो फिर बोलने जा रहा हूँ 3 नहीं ली और हाय अल्लाह हाय अब्बा। नहीं आखिरी कार्ड में ही होता है सर, कैसा हो रहा है, एक रह गया, अच्छा हो रहा है, एक कार्ड रह गया। नहीं जी नहीं, आ रही पार है, इशरत इतनी तेज है, ये कह रही अच्छा हुआ मेरा अच्छा नहीं निकला था, अच्छा मेरा जोकर निकला। नहीं नहीं जब ऐसी चीजें आ रही होती हैं तो उसके बाद फिर ऐसी कोई नहीं, ऐसी चीजें आती हैं फिर यूं नहीं होती। नहीं नहीं खाओ खाओ रिलैक्स, तुम्हें बहुत जरूरत है, तुम्हारी शुगर लो हो रही है, इसको सैनिटाइज करके खाएं। गाड़ी है 10 तोला इशरत, ये सब कुछ तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारे डब्बे में 7 तोला। इशरत जानती है, इशरत बाजी जानती है, इशरत है ना माइक पे बताओ, है ना, है ना, मुझे लगता है, लगता है ना। ओके माजिद देख ले, यही है वो औरत जिसको लगता है। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। तो फिर ए खोलने जा रहा हूँ आखिरी डब्बा, तो फिर दो, अच्छी ऑफर देने जा रहा हूँ, तो फिर सारे मिलके बोलो आखिरी बार, फॉर द वेरी लास्ट टाइम, ये सारी चीजें और इसके ऊपर 3 तोला 4 तोला हो गया, 4 तोला हो गया, मतलब 4 तोला हो गया। ले 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 ले
ले ले ले ले ले ले चल चल तेरी नहीं चलती चल खेले खेले सर फ्रांस ने इतनी मालिक है हमने इनको ऑफर दी 4 तोला ये सारी चीजें अब मेरे पास कोई ऑफर नहीं है आइए देखते हैं क्या है इनके आखिरी कार्ड के अंदर तो फिर एक तो फिर दो तो फिर ये डील बॉक्स हमारा तब होगा जब तुम्हारे पास 7 तोला होगा हाँ पता है गारंटी नहीं है कि इसमें 7 तोला मिलेगा 5 तोला तो मिलेगा का सामान छोड़ लो 8 लाख रुपए का सामान आप छोड़ लो 5 लाख रुपए लेके जाओगे भाई 4 तोला सोना और 3 लाख रुपए का सामान ही 3.5 लाख रुपए का जो उन्होंने ऑफर दिया 4 तोला सोना 3 तोला डील बुरी नहीं है 8 तोले 4.5 लाख मिलेगा एक मिनट 7 लाख एक तो मैं क्लियर कर दूं कि कोई डील नहीं है कोई डील नहीं है कोई डील नहीं है बैठो चुप करके नहीं ना आपने कहा ना 3 था का था वो तो खत्म का आओ देखते हैं क्या है तो फिर तो अब इस आखिरी कार्ड जो कुछ है वो खत्म होगा जब इनके पास 7 तोला होगा तो फिर 1 तो फिर 2 तो फिर बस ठीक है ना अब ये है किस्मत आज तो आप यहाँ से मतलब के 10 तोला जाएंगे यहाँ 5 तोला लेके और इसके ऊपर 1 तोला मतलब के कुल मिला के 11 तोला और ये सारी चीजें इनके डब्बे में 7 तोला है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या इनके डब्बे में 7 तोला है ना इंशाल्लाह सरफराज है ना इनके लिए मैं दुआई कर सकता हूँ और कुछ भी नहीं क्या अदनान भाई है ना मुझे लग रहा था कि ये चेंज कर लेते चलो कोई नहीं है यार नहीं मुझे भी लग रहा है चेंज करना चाहिए लेकिन उनका अपना दिल कहता है कि इसमें 7 तोला तो फिर अभी तक बहुत अच्छा खेला इस तरह याद रहे अगर 7 तोला निकल जाता है तो आज यहाँ से लेकर जाएंगी कम अज कम 11 तोला और ये सारी चीजें आइए देखें इन्होंने 12 तोला ठुकराया ट्रेजर बॉक्स की जरूरत में इन्होंने मेरी ऑफर ठुकराई अब देखते हैं इनके डब्बे में 7 तोला हुआ तो ये सारा सामान इनका होगा वरना ये 5 तोला यहाँ से लेकर जाएंगी तो फिर दुआ करें सारे मिलके इसके अंदर 7 तोला हो तो बतवाएं मत कीजिएगा इसके अंदर 5 तोला हो 3 तो फिर सारे मिलके बोलो कह रहा हूँ आखिरी वक्त तक कह रहा हूँ चेंज करा लो भाई लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं मानी कब से कह रहा हूँ तुमसे चेंज करा लो याद रहे सरफराज ये वाले 20 रन आपको नहीं मिले बाकियों को 5-5 रन मिल गए हैं तो कहीं जाइएगा मत जीतो पाकिस्तान और सरफराज को क्या कमाल की नजर लगी है कि माशाल्लाह शुरुआत में जीतते जीतते अचानक से उस जगह आके हार गए जहां कोई नहीं हारता है नॉर्मली और बड़े दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि किसी ने 5 लाख से ऊपर का सामान नहीं जीता क्या हुआ सरफराज आपके साथ क्या हो गया आई थिंक उनके जहन में ये आ गया था कि चलो 7 तोला या डील बॉक्स नहीं मिला तो 5 तोला तो मिलेगा ही मिलेगा 5 तोला तो मिलेगा ही लेकिन आज आपकी भी 5 कप्तान मिलके एक कंटेस्टेंट को नहीं समझा पाए इंक्लूडिंग यू अदनान भाई मैं इनको कह रहे थे कि चेंज कर लो मैंने कहा डिब्बा चेंज करें इन्होंने कहा नहीं मैंने उनसे कहा डिब्बा चेंज करें इसके अंदर 5 है मैं पहले वक्त से 5 कह रहा हूं अब देखते हैं अब क्या होता है अभी भी गेम के अंदर 40 रन मौजूद हैं तो कोई भी ऊपर आ सकता है पहला मैच हम खेलने जा रहे हैं क्यों बाहर कराची लायंस और ब्राइट लॉर्ड पैंथर्स के दरमियान आइए फटाफट से आ जाइए जल्दी जल्दी उसाम और सलमान को बुलाएंगे फटाफट से अब देखते हैं ये जल्दी का गेम कौन जीतता है लाहौर या फिर कराची आइए बड़ा बच्चा आ जाइए भाई अदनान अदनान जल्दी जल्दी आइए जल्दी जल्दी आप यहाँ आप भाई वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का याद रहे जिसने इस चरखी से ये गुब्बारा फाड़ लिया वो यहाँ से लेकर जाएगा घनी बिल्डर्स और डेवलपर्स की मोटरबाइक वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अभी चलिए जल्दी से जल्दी Whoa!
जाओ, आओ भैया बैठो मंडवा के, आ जाओ बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बिल्डिंग अ बेटर टुमारो, सारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। यार अदनान भाई पता नहीं कहां से किस्मत लिखवा के आए हैं आप, कसम खुदा की, मतलब के क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या आपका क्या करूं मैं क्या, अरे चलो तस्वीर खींचेगी, चलो चलो अल्लाह ड्रामे में आप दानिश से हार गए, यहाँ पे आप कराची से हार गए, आप क्या चाह रहे, कर क्या रहे आप? ड्रामे में नहीं हारा मैं नहीं जीतूंगा ओ गॉड। अच्छा आप अगला जो गेम है वो है 10 रन के लिए क्यों बात जीत के दिखाओ, और ये 1,00,000 रुपए के लिए हम खेलेंगे आज इस्लामाबाद और लाहौर के बीच में। तो आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है, हम बुलाने जा रहे हैं इरफानुल्लाह को और सबीर नास को, आइए बड़ा बच्चे आ जाइए। ₹1,00,000 के लिए ये गेम है। सबसे पहले हम इस्लामाबाद आपके साथ शुरुआत करेंगे, आपके सामने 5,000 रुपए की ये 20 गड्डियां पड़ी हैं, मतलब के कुल मिला के 1,00,000 रुपए हैं। ये 1,00,000 रुपए सर आपके हैं, ये आपके 1,00,000 रुपए हैं, आपने ये 1,00,000 रुपए बचाने हैं। कैसे बचाने हैं? सना आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और आपको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसके 3 जवाब हैं, ए बी सी, जो ऑप्शन आपको सही लगता है आपने उस पे अपने पूरे पैसे रखने हैं। अगर आपको बिल्कुल ही सही लग रहा है तो पूरे पैसे रख दें, अगर आपको लगता है नहीं शायद कुछ कंफ्यूजन है, बी भी हो सकता है, तो आधे पैसे डिवाइड कर दें। अगर आपको लगता है नहीं यार तीनों में कंफ्यूजन है तो सारे पैसे डिवाइड करने पड़ेंगे, लेकिन पैसे रखने जरूरी हैं। तो 3 सवालों के आखिर में जितने पैसे बचेंगे वो पैसे होंगे आपके, और वो भी आपको तब मिलेंगे जब आप उनसे ज्यादा पैसे जीते हुए होंगे। अगर उन्हें 70,000 जीते आपने 65, तो आप नहीं जीतेंगे, सिर्फ उनको 70,000 मिलेंगे। अगर आपने 80 जीते उन्होंने 75, तो आपको 80,000 मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। ओके शुरुआत करने जा रहे हैं, माइक उठा लीजिए। सर क्या नाम है आपका? इरफानुल्लाह। इरफानुल्लाह साहब हम पहला सवाल क्यों मोबाइल जीत के दिखाओ में आपको दिखाने जा रहे हैं, और सवाल है ये, कीवी किस मुल्क का कौमी परिंदा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान या फिर सी न्यूजीलैंड। सारे खड़े हो गए, तीनों के तीनों खड़े हो गए और बिल्कुल सही ऑप्शन पे इन्होंने रख दिया है। इनको इनको लगता है कि कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का परिंदा है, और अब देखते हैं कि कौन से मुल्क का वो कौमी परिंदा है वाकई जो कि न्यूजीलैंड का है। ये भी वो परिंदा है जो शुतुरमुर्ग की तरह उड़ नहीं सकता। आइए देखते हैं क्या ये सही जवाब है या फिर नहीं, साइज में मुर्गी के बराबर ये परिंदा, लेट्स सी क्या सिचुएशन है। और जवाब है, और जवाब है न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही जवाब। 1,00,000 रुपए आपने अपने बचा लिए हैं, अब देखते हैं क्या करते हैं आप लोग। अगला सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं क्यों मोबाइल जीत के दिखाओ में, और सवाल है इनमें से इटली का झंडा कौन सा है? ए बी या फिर सी, कौन सा है इनमें से इटली का झंडा? दिस इज क्वाइट ट्रिकी, आप देखते हैं कि कौन सा होगा इटली का झंडा। सिर्फ इरफान ही दिमाग लड़ा रहा है, सारे सेलिब्रिटीज सुन हो गए, इधर उधर फिरना शुरू हो गए, हुमायूं सईद ने तो मुंह ही फेर लिया है। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड रह गए आपके पास, आखिरी 18 सेकंड, वक्त गुजरता जा रहा है, 16 सेकंड, सना सिर्फ पैसे देख रही सना है, थोड़े सी पे भी रख दो, सारे मिलके सी पे भी रख दो थोड़े, बस सेव करो ना भाई, आप थोड़े रखे हैं 10,000, 20,000, 30,000 रुपए आपने रखे हैं ऑप्शन ए पर, 5,000 रुपए आपने रखे हैं ऑप्शन सी पर, और 65,000 रुपए आपने रखे हैं ऑप्शन बी पर। आइए देखते हैं क्या है सही जवाब, इनमें से इटली का झंडा कौन सा है, ए बी या फिर सी, और ए सही जवाब है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग बचा पाए हैं 30,000 रुपए। इटली और फ्रांस के झंडों में सिर्फ नीली और सब्ज पट्टी का फर्क है, आमतौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान ही पता चलता है कि कौन से का फर्क क्या है। इट्स अ लिटिल ट्रिकी, ये सवाल मुझे नहीं आएंगे, नहीं आए आप, ये आपको नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं आएंगे, आपसे हम लोकल पूछते हैं, आप इंटरनेशनल है ना इसलिए। आइए देखते हैं आखिर के 30,000 रुपए, इरफान साहब सवाल है ये, मशहूर शायर और मजा निगार और राइटर इब्ने इंशा साहब किस शहर में दफन है? ए आगरा,
पी कराची या फिर सी लाहौर। 10,000 रुपए रख दो तीनों पे, अगर नहीं पता तीनों पे 10,000। हम सब ने इनके बेटे के साथ काम किया हुआ है, रूमी इंशा, वो भी अब हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और सिर्फ आप लोगों ने 10,000 रुपए सब पे आपने रख दिए हैं। इब्ने इंशा उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, इनका असल नाम शेर मोहम्मद खान था। आइए देखते हैं क्या है सही जवाब। और बस आखिर में इन्होंने तब्दीली की है यार, और 40 सिर्फ 20,000 रुपए आपने रखे हैं ऑप्शन बी पर, दैट इज कराची, और ऑप्शन ए पर आपने रखे हैं आगरा पर सिर्फ और सिर्फ 10,000। आइए देखते हैं क्या है सही जवाब, और जवाब है कराची, मतलब के सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए आप जीते हैं। 1978 में इंग्लैंड में इनका इंतकाल हुआ था और कराची में इनको दफन किया गया। अब सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए से ऊपर अगर आप जीतेंगे अदनान भाई, तो आज आप इनको पैसे भी जितवा पाएंगे और लाहौर को 10 रन भी जितवा पाएंगे। थैंक यू इरफान साहब, आप साइड पे आ जाएं, सना आप भी बैठ जाएं। अब देखते हैं कि आप लोग, मतलब कि सबीन, आप आइए सबीन, माइक उठा लीजिए सबीन, आपका माइक वो पड़ा हुआ। अब देखते हैं कि आप क्या कर पाती हैं सबीन, आपको किसी भी सूरत में 20,000 रुपए से ज्यादा पैसे जीतने हैं। सबीन पीएचडी की हुई है, की हुई है पीएचडी, पीएचडी कर ली, पीएचडी सॉरी बीए, बीए किया यार, कोई बात, बीए भी अच्छी बात है, आजकल बीए भी इनको पीएचडी सुनाई दे रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं। आप मुनीफा को तो सब किसको करना था, मुनीफा को, मुनीफा, मुनीफा गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम लाहौर मुनीफा, यू फ्रॉम लाहौर, और मैं लाहौर को जिताना चाहता हूँ, ये हराना चाहते हैं, गॉड ब्लेस यू, लव यू, हमेशा ऐसे ही हमारा शो देखते रहे, ऐसे ही पसंद करते रहे हमेशा। अब शुरुआत करते हैं, मेरी बहन बीए बहन, अब देखते हैं अब क्या करती हो तुम। आओ भाई सवाल नंबर एक, क्यों बातचीत के दिखाओ, कैप्टन जैक स्पैरो का किरदार किस मशहूर अदाकार ने प्ले किया, पॉल किल्मर, जॉनी डेप या फिर कर्ट रसल। किरदार मशहूर जैक स्पैरो का किरदार जो कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का किरदार है, किसने अदा किया, जॉनी डेप ने या फिर कर्ट रसल ने या फिर वेल किल्मर ने। जॉनी डेप, पक्की बात है, ओके डन। इन्होंने कहा जैक स्पैरो का किरदार जॉनी डेप ने अदा किया, आइए देखते हैं क्या ये सही है या फिर नहीं। और बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेल डन। सवाल नंबर दो, हमारी प्यारी बहन, आओ देखते हैं क्या होने जा रहा है। और सवाल है ये, आयरन लेडी किस खातून सियासी रहनुमा को कहा जाता है, ए बेनजीर भुट्टो, बी इंदिरा गांधी या फिर सी मार्गरेट थैचर। मुझे जहां तक याद है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते थे, ठीक है रखे, आयरन माइंड इंदिरा गांधी, और मार्गरेट थैचर को नहीं कहते थे, जस्ट आस्किंग, मैं तो सोच रहा हूं, बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी या फिर मार्गरेट थैचर। आयरन लेडी किस खातून सियासी रहनुमा को कहा जाए, शाइस्ता, आंखें चुराने से कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं पता है किसको कहते हैं, कंफ्यूजन। ओके 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 अदनान भाई, बस 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 भाई, आपने रखे 25,000 रुपए सी मार्गरेट थैचर पर, और आपने रखे 75,000 रुपए बी इंदिरा गांधी पर। आइए देखते हैं आयरन लेडी किस खातून सियासी रहनुमा को कहा जाता था, और ओ माय गॉड 75,000 रुपए यार, ये बीए भी नहीं है, आओ देखते हैं, ये देखो ये देखो, और 1979 से लेकर 1990 तक यूके की वजीर आजम रही, जो कि तवील तरीन अरसे तक बरतानिया का वजीर आजम रहने का रिकॉर्ड है, और अपनी सियासी और कायदाना सलाहियतों की वजह से एक रशियन जर्नलिस्ट ने उनको दी आयरन लेडी का खिताब दिया था। यू वर रॉन्ग एज ऑलवेज, आइए देखते हैं, ऑलवेज ऑलमोस्ट 25 के 25 बचाने हैं, आइए देखते हैं सवाल, इनमें से कौन सा मुल्क यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड या फिर सी स्कॉटलैंड। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली भी एक मुद्दा ऐसा चल रहा था अदनान भाई, बहुत करीबी बात है अदनान भाई,
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, यूनाइटेड किंगडम में, नॉर्थ आयरलैंड शायद. Adami, are you serious? I am. 6, 5, 4, 3, 2, 1, बस. क्या कह रहे हो? नहीं वहां क्यों रख रहे? एक ही पे रखो ना, तभी जीतोगे यार. अब तो हटा दिया. मैं तो यार स्कॉटलैंड, क्या मुझे पीछे से कौन कह रहा था इसको? वो लड़की आपसे कह रही थी, आप क्या कह रही थी बेटा? माइक पे बताओ. सी कह रही थी आप, स्कॉटलैंड कह रही थी वो. आपने रखा है नॉर्दर्न आयरलैंड पर. सवाल में ही जवाब इसका मौजूद था. इनमें से कौन सा मुल्क यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है? एंड द आंसर इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. व्हेन इट इज कॉल्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ? आयरिश वॉर के बाद, 1922 के बाद रिपब्लिक ऑफ एक ढेला नहीं जितवा पाए हैं हमेशा की तरह. ओह माय गॉड. और इस्लामाबाद को मिले 10 रन. और आपको बेटा इनकी दुआएं बहुत बहुत मुबारक हो. याद रखना उमर खान फिर गालियां दो. इरफानुल्लाह साहब आपको 20,000 रुपए बहुत बहुत मुबारक हो. अगला गेम जो हम खेलने जा रहे हैं वो है गोल उठ लो. जीत का फंडा का एप्लीकेशन डाउनलोड करें घर बैठ के, QR कोड स्कैन करें और आप आराम से PM के कोरोना फंड में भी आराम से 20 रुपए जमा करवा सकते हैं. 1,00,000 रुपए जीत पाएंगे आप अगर आपने ये 6 नंबर सही गैस कर लिए. तो आइए देखते हैं क्या है सिचुएशन. 20 और ये एक और ये है 18. तो जनाब 41 और 39, 26, 32, 20 और 18 अगर ये नंबर मैच करते हैं तो आप डेफिनेटली घर बैठे 1,00,000 रुपए जीत पाएंगे. अगला गेम हम खेलने जा रहे हैं 10 रन का बाइक है निपॉन पेंट्स की. और हम बुलाने जा रहे हैं पेशावर और इस्लामाबाद को. यहाँ पर आइए आसमान पर आप बड़ा बच्चा जाइए. जल्दी जल्दी आइए आसमान पर. हैं दो बहने, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं, क्या लड़ाई हो रही है, क्या मसला है? मैंने रेड कलर लेना था बट चलो यार ये तो देखो पांचवी जमात की बच्ची छोटी सी नहीं होती. रेड नहीं लेना था उनको, लग रहा है वो ऊपर है. आइए उनको लग रहा है ऊपर है. अच्छा ये वाला ड्रेस सना मैं देख रहा हूँ. हड़ो हुशूर. आइए देखते हैं. अच्छा इतना तुम लोग का दिमाग चला है, इन लोगों के लिए तुम लोग खेल के दिखाओ पता लग जाएगा. आओ खेलो. आज शाइस्ता और सना जावेद खेलेंगी. आज शाइस्ता और सना जावेद खेलेंगी इन बच्चियों के लिए. आइए देखते हैं क्या करती है. आइए आ जाओ. आओ फोन आराम है. हट जाए आप बहन, हट जाए. पहले देखते हैं. अच्छा उनकी शक्लें बन गई, ये क्यों खेल रही है हमारी जगह. आइए देखते हैं. मोटर बाइक आपकी है. असमा या फरा को मिलेगी. अब देखते हैं क्या होने जा रहा है. अरे कौन ऊपर है? वो रेड वाले. अरे बराबर है, ऐसा हो नहीं सकता. दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन. ऐसा कुछ नहीं है. वक्त तुम्हारे पास शाइस्ता 1 मिनट का. और आपका 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अभी. चले जल्दी चले. अनार भाई सामने से तो हट जाओ. हमायूं सईद पीछे हट जाओ. बहुत गुजरता जा रहा है. आपको जाएगी मुबारक हो. आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. किसी को नहीं मिटाएंगे. एशिया नंबर 1 पे नेपाल पे बहुत बहुत सना जावेद क्या बात है. ताली और कैमरामैन ताली हो जाओ. बढ़िया
गुड़िया वाह, आज मुझे पता चला तुम बुढ़िया नहीं हो, गुड़िया हो, वाकई गुड़िया हो, आ जाओ फटाफट से, वेरी वेल डन। आज जनाब बहुत मुश्किल गेम वक्त है। अच्छा अपने अपने प्लेयरों को कैसे खड़े होंगे सारे, जल्दी जल्दी, और वहाँ पे हाथ भाई, हमने दोनों पे किया, हमने दोनों को बोला ऐसे मारे, पसीने आगे चेक करो, यार मैं हंसी तो जब ये भी कर रही थी तो मुझे आ रही थी, लेकिन मैं बोल ही नहीं रहा था। अब देखते हैं अगला गेम, गोल उड़ लो जीत का फंडा 1,00,000 रुपए के लिए, और ये हो रहा है कराची और कोयटा के दरमियान। आइए कोयटा एंड कराची, हाशिम और आबिद को हम बुलाएंगे, फटाफट से आ जाइए हाशिम और आबिद। जीत गए तुम, अरे वाह कैसे हो, आ जाओ आइए। सरफराज आ जाइए, हुमायूं भाई आ जाइए, सर माइक उठाइएगा, सर क्या नाम है आपका? हाशिम साहब। सर आपका क्या नाम है? आबिद। आबिद साहब, आबिद साहब और हाशिम साहब बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं, ये 1,00,000 रुपए आपके हैं, ये आप लोग जीत कर जाएंगे। क्या होगा मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका हमने आम पाकिस्तानियों से 5 जवाब लिए हैं, उन्होंने 5 अलग अलग जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे आम जवाब जो कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के दिमाग में आता हो वो जवाब अगर हम देंगे तो उसका ज्यादा परसेंटेज होगा, उसको एंड में टोटल करेंगे, जिसका ज्यादा निकलेगा वो यहाँ से 1,00,000 रुपया जीत कर जाएगा। ओके अब देखते हैं क्या, और बीवी वाला सवाल मुझसे, और बीवी वाले सवाल सारे हुमायूं सईद साहब से हम पूछ लेंगे। सरफराज माइक उठाने, पहला सवाल हम करने जा रहे हैं कोयटा से, मतलब के आबिद साहब आपसे, और गोल उड़ लो जीत का फंडा का पहला सवाल है ये, वो क्या चीज है जो आप दिन में बार बार देखते हैं? मोबाइल। मोबाइल? मोबाइल जी। पक्की बात है सरफराज? सरफराज कुछ बोलो। मोबाइल, हाँ मोबाइल। पक्की बात है? मोबाइल या घड़ी? घड़ी या मोबाइल? मोबाइल ना। मोबाइल। मोबाइल, इनका जवाब मोबाइल। ये कहते हैं वो कौन सी चीज है जो आप दिन में बार बार देखते हैं, ये कहते हैं मोबाइल बार बार देखते हैं। आइए देखते हैं क्या जवाब हमारे पास है, और अगर है तो उसका कितना परसेंटेज है। और सवाल था कि आप दिन में कौन सी चीज बार बार देखते हैं? मोबाइल 85%, घड़ी 5, ओ माय गॉड, आईना 5%, घड़ी 5%, पहने हुए कपड़े जूते 4%, वॉलेट 1, मतलब घड़ी नहीं बोला, मतलब मोबाइल ने आपने सबको खत्म कर दिया है, सारे के सारे मोबाइल में, दुनिया बर्बाद हो गई है मोबाइल की वजह से, है ना भाई? भाई ऐसे ही है ना? हम भी बर्बाद हो गए 85%, भाई 100 ही कर लेते पूरे 85% पाकिस्तानी मोबाइल बार बार देख रहे हैं। हाशिम और सईद साहब हम बता रहे हैं आपके लिए सवाल, और सवाल है गोल उड़ो जीत का फंडा में, वो है ये, घर के ऐसे कौन से काम है बीवी का सवाल ये बहुत से हैं जो अक्सर बीवियां अपने शौहरों से करवाती हैं, लेकिन खैर हमें अपनी बीवी याद आ जाती है, दूसरों की बीवी। हाशिम मैं बता, खाना तो नहीं बनवाती, अगर बच्चों को देखना, बच्चों को देखना, बच्चों को देखना, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बच्चों को संभालते हैं। पेपर खत्म हो गया, पेपर लेते आओ, पेपर लेते आना, पानी की बॉटल कूलर में रखवाती हैं। वाह क्या बात, बैठ जाओ, जज्बाती नट तुमसे खुल नहीं रहे, बच्चों को संभालना, बच्चों को जा रही है, बच्चों को संभालना, बच्चों को संभालना, इनका जवाब है बच्चों को संभालना। आइए देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास है, कितने फीसद पाकिस्तानी बच्चों को संभाल रहे हैं, यही हमें देखना है। और जवाब है, और जवाब है बच्चों को, 80%, ठीक है बच्चों को देखना, सही बोला मैंने, इसने किया ये गलती की, इसने आपको जवाब बता के, वरना वो तो पेपर मंगा रहा था, कहना पेपर खत्म हो गए, पेपर ले आओ। थैंक यू यार, थैंक यू, आप सिर्फ जीत ही नहीं रहे आप जिता भी रहे, ऐसा होना चाहिए कि आप पेपर, ऐसा ही होना चाहिए। अगला सवाल करने जा रहे हैं गोल उड़ो जीत का फंडा में, सवाल नंबर 2, आइए देखते हैं क्या है। और सवाल है, अगर आपके सामने कोई मोबाइल छीन रहा हो तो आप क्या करेंगे? मोबाइल छीन रहा, अगर आपके सामने, आपसे नहीं छीन रहा, आपके सामने कोई छीन रहा, अपना मोबाइल छुपा, गन पॉइंट में किसी से छीन रहा, वहां से भागेंगे, आगे क्या करेंगे आप? रास्ता बदल के निकल जाएंगे, रास्ता बदल, क्या तेज डरपोक आदमी यार, अच्छा करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे, ऐसे ही है वैसे, ऐसा करेंगे, मतलब कि कुछ नहीं करेंगे और वहां से निकल जाएंगे, कट लेंगे। आइए देखते हैं क्या ये जवाब, गोल उड़ो जीत का फंडा, पाकिस्तानी मोबाइल छीनता हुआ देखकर पतली गली से निकल लेते हैं, आइए देखते हैं क्या ऐसा होता है, और अगर होता है तो कितना परसेंट होता है, चुपचाप खिसक जाएंगे 24%।
अपना मोबाइल छुपा लेंगे 34%, शोर मचाएंगे 15%, वीडियो बना लेंगे 14%, पुलिस को बुलाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। आइए देखते हैं। हाँ भाई, अगला जवाब सवाल आपके लिए, एंड द क्वेश्चन इज सवाल नंबर टू। जी जनाब, आपके अब्बा ने आपकी पसंद की जगह शादी करने से इनकार कर दिया है, आप क्या करेंगे? अब्बा ने शादी, अब्बा की शादी कर लेंगे, शादी शादी कर लेंगे भाई। नहीं, अपनी नहीं, पसंद की शादी अब्बा ने पसंद की अपनी अब्बा ने आपकी पसंद की शादी करने से इनकार कर दिया, आप क्या करेंगे? भाई हम तो कर लेंगे, अब्बा को बताएंगे नहीं, मनाएंगे। अब्बा मनाएंगे, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, मनाएंगे। ऐसी बात, लेकिन अगर अब्बा कर ले तो हमें जरूर बताएं, मनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मनाने की कोशिश करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। मनाने की कैसे मनाएंगे? मान ही नहीं रहा ना, नहीं मान रहा, खाना छोड़ देंगे, वरना मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, ओके, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। हाँ भाई, तुम भी तो कुछ बोलो, पेपर खत्म हो गए, पेपर ले आते हैं। नहीं नहीं, मैं जिद करूंगा, अगर नहीं मानेंगे तो फिर अम्मी से राय, तो वेट करेगा। अरे वेट में देर हो गई लड़के, कर ले, अब तो बात करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं अम्मी से बात करेंगे, अम्मी से बात तो सही करा, घर में अम्मी भी तो है, अम्मी अब उसको समझाए, अम्मी भी तो होती है, मतलब वही ना, पूरे खानदान से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। हम तो कर बारीकी है, बारीकी है इसमें, अब्बा की बात हो रही है, अम्मा की नहीं हो रही। घर वालों को मनाएंगे ना, आपका इतना दिमाग आ गया ना, इतना दिमाग अगर आपका अपने जवाबों पे चलता होता ना, तो क्या ही क्या बात थी। और ये यू डोंट स्टॉप, मतलब कि नॉन स्टॉप आपके साथ, अम्मी वाला कंसिस्टेंट इसी को कहते हैं। हाँ भाई, एक बाबर आजम और मनाएंगे घर वालों को, अम्मी को, अम्मी को, अम्मी को, अम्मी को, जो भी घर वाले हैं, बस जो भी घर वाले, अब्बा के अलावा बाकी सबको मनाएंगे। आइए देखते हैं, ग्रुप बना लेंगे, आइए देखते हैं क्या करेंगे। लेट्स सी क्या ये जवाब हमारे पास है, और अगर है तो उसका क्या परसेंटेज है, और बाकी घर वालों की हिमायत हासिल करेंगे 45%। गुड यार, गुड यार, मैंने आपको बताया। थैंक यू भाई, थैंक यू ओमाई भाई, कभी शादी ना करने की धमकी, कभी शादी नाम करने की धमकी देंगे, वो भी 26%। खाना पीना छोड़ देंगे शायस्ता 17%। आमिल बाबा की खिदमत हासिल करेंगे 7%। भाग के शादी कर लेंगे, बहुत मुस्तफा ये इन्होंने कहा था, ऐसे ही है बिल्कुल। भाग के शादी करने में अलग ही मजा है बाबू, तुम अब भाग नहीं सकते। अगला सवाल उसकी आप देखते हैं क्या है, और सवाल है, और सवाल है, आप दफ्तर में हैं और आपके पास कोई काम नहीं है, आप क्या करेंगे? घर चले जाएंगे। गुड गुड, आई लाइक इट। कंप्यूटर पे खेलेंगे, मोबाइल यूज करेंगे। कोटा की हेल्प कराची कर रहा है, कराची की हेल्प कोटा कर रहा है, कुछ गड़बड़ चल रही है, चैटिंग करेगा, क्या करेंगे? मोबाइल यूज करते रहेंगे बैठ के। किससे बातें करोगे मोबाइल? ओके ओके, मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। ये कहते हैं कि काम नहीं है तो क्या करेंगे? मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं कि आप दफ्तर में हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप क्या करेंगे? आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, क्या ये जवाब हमारे पास है, और अगर है तो उसका क्या परसेंटेज? मोबाइल 67%। जल्दी घर चले जाएंगे, काना पूसी करेंगे, दूसरों को भी काम नहीं करने देंगे, टेबल पर सर रखकर सो जाएंगे। मतलब मोबाइल ने हर जगह टेक ओवर कर लिया। आप चेक करें, चेक करें आप। अब मैं सवाल करूंगा बाथरूम में, भाई मेरा बीवी वाला नहीं करे, मोबाइल वाला सवाल। हाँ भाई, बीवी वाला नहीं। अगला सवाल हाशिम, आओ देखते हैं क्या है। 51% का जवाब देना बहुत जरूरी है, और तबीयत खराब होने की सूरत में आम पाकिस्तानी डॉक्टर या फिर हकीम के पास जाने से पहले अपना इलाज कैसे करते हैं? मेरे बहनोई तो खुद करते, जो शानदार बहनोई तो खुद करते हैं। ओके ओके, कोई खा लेते हैं, जो घर के टोटके होंगे पहले वो यूज करेंगे, घर के टोटके। ये लड़का लाया घरेलू बातें, असल पाकिस्तानी कहता है घर के टोटके इस्तेमाल करेंगे। 51% का ये जवाब होना चाहिए अगर ये वाला गेम कराची को जीतना है तो। तबीयत खराब होने की सूरत में आप पाकिस्तानी डॉक्टर या फिर हकीम के पास जाने से पहले अपना इलाज कैसे करेंगे? 1,00,000 रुपया आज यहाँ से कराची लेकर जाता है, या फिर और घरेलू टोटके 54%। इसका मतलब है कराची जीत गया है ये वाला गेम भी। कौन से पहले हम आपको स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, देखते रहिएगा आज का मैच। कोयटा जीत गया, कोयटा बहुत बहुत मुबारक आपको। कोयटा चलो, चलो, चलो।
टॉप टू पर हमारी दो टीम्स हैं, मतलब के क्वेटा और क्वेटा के साथ मौजूद है पेशावर, जिनका मैच होगा पेशावर कल होगा, कल होगा कराची और इस्लामाबाद का मैच, और उसके बाद होगा क्वेटा और पेशावर का मैच। तो देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, जीतो पाकिस्तान।